चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान देंगे। अपन ने सबसे पहला सेक्शन देखा था टीडीएस का सेक्शन सैलरी, कौन सा सेक्शन था यार? सेक्शन नंबर 192 सैलरी। सेक्शन नंबर 192 सैलरी के अंदर पेयर था एनी पर्सन, पे ही था एनी पर्सन, टीडीएस का रेट था स्लैब। क्या आपको अदर इनकम कंसिडर करनी है? यस। क्या आपको अदर डिडक्शन भी कंसिडर करने है? यस। क्या आपको अदर लॉसेस कंसिडर करने है? नो। एक करना है बेटा हाउस प्रॉपर्टी लॉस। और अगर आप मुझे एक चीज बताइए, एक स्पेशल केस, अगर आप मल्टीपल जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आप 10 जगह पे काम कर रहे थे साल भर में, तो क्या सेक्शन नंबर 192 सैलरी पेयर एनी पर्सन पे ही एनी पर्सन टीडीएस का रेट था स्लैब। अगर मैं बारीकी की बात करूं बेटा, बारीकी ध्यान से सुनना, सारी इनकम कंसिडर करनी है, अदर इनकम भी, सारे डिडक्शन भी कंसिडर करने हैं, सारे लॉसेस भी कंसिडर नहीं करने हैं, सिर्फ एक लॉस आपको कंसिडर करना है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस। अगर आप मल्टीपल जगह पे काम करते थे तो आप किसी भी एक एम्प्लॉयर से टीडीएस डिडक्ट करवाओगे अपना पूरा का पूरा। ये बात क्लियर है आपको? Yes, किससे करवाना है वो आपकी मर्जी। इसके बाद एक और सेक्शन आपने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 192 है एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ। अगेन पेयर एनी पर्सन पे ही एनी पर्सन, टीडीएस का रेट था 10% और लिमिट थी 50,000। लिमिट कितनी थी बेटा? 50,000। अच्छा, इसके बाद आपने सेक्शन पढ़ा था सेक्शन नंबर 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सेक्शन नंबर 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेयर एनी पर्सन पेई रेसिडेंट पर्सन टीडीएस का रेट। बेटा ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा अगर आपको मेरी किसी चीज में जरूरत पड़ने वाली है तो वो टीडीएस टॉपिक में पड़ने वाली है। और सबसे ज्यादा अगर आपको कोई टॉपिक में, मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपको याद करना अगर सबसे ज्यादा किसी टॉपिक में काम आएगा तो वो भी टीडीएस टॉपिक में आपको काम आने वाला है। और आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चीजें तो आपको इजीली याद हो जाएंगी लेकिन जो बारीकी में आपके सामने डिस्कस करूंगा ना वो लिखी होंगी आपके पास, उसको आपको एक ही बार में सुन के अपने दिमाग के अंदर बसा लेना है। जैसे कि कल मैंने आपको वो बहुत सारे केसेस दिए थे कि एक डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में स्पेशलाइज, कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में गया तो सैलरी के अंदर टीडीएस नहीं होगा बेटा, किस सेक्शन में होगा? 194 के अंदर। समझ रहे हैं ना बात को? वो सब चीजें बेटा बार बार रिपीट नहीं की जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ वापस से, रिपीट वो चीज की जाएगी जो एग्जाम में आपके लिए डायरेक्टली काम की है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे उन चीजों से रिलेटेड केस बन के आ सकता है आपके सामने। तो सब लोग ध्यान देना, सेक्शन नंबर 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। सेक्शन नंबर 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पेयर एनी पर्सन पे ही, अभी तक एनी पर्सन था लेकिन यहां पर कौन है? रेसिडेंट पर्सन। टीडीएस का रेट पता है कितना है? 10% और लिमिट पता है कितनी है? 10,000। उसमें भी कुछ खास चीजें क्या, अगर एलआईसी जीआईसी या फिर इंश्योरेंस कंपनी वगैरह होगी तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर लिस्टेड डीमेट सिक्योरिटी है तो टीडीएस की जरूरत नहीं है बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में भी आपको टीडीएस की जरूरत नहीं है। ये क्लियर था आपको? लेकिन आपको एक चीज बताइए बेटा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है लेकिन उसके नाम में लिखा है टैक्सेबल बॉन्ड। सर उसके नाम में टैक्सेबल लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि इस बॉन्ड पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर किसी बॉन्ड के नाम में ही लिखा है टैक्सेबल बॉन्ड तो यार कभी भी बॉन्ड की प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ी टैक्सेबल होगी, बॉन्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल है। ठीक है, तो किस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बेटा? सेक्शन नंबर 193 अगर सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट है। एक बार वापस से प्लीज बहुत अच्छे से, क्योंकि यही अभी तक का जो पोर्शन है ना, ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर कौन सा है? 192 सैलरी, इसके बाद है बेटा 192 है एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ, फिर है 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, तीन सेक्शन मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपके लग जाएंगे टीडीएस में। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और साहब भले ही आपको लग रहा हो इतनी बार रिपीट कर रहा हो, आपको भले ही लग रहा हो बेटा, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे पता है। सेक्शन नंबर 192 सैलरी, सेक्शन नंबर 192 है ईपीएफ पेमेंट, सेक्शन नंबर 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, सेक्शन नंबर 192 में पेयर पे ही थे एनी पर्सन सैलरी में, सेक्शन नंबर 192 है एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ में भी पेयर एनी पर्सन पे ही एनी पर्सन, सेक्शन नंबर 193 में पेयर एनी पर्सन पे ही रेसिडेंट पर्सन। अगर रेट की बात करूं तो सैलरी में रेट था ही नहीं, सैलरी में कोई रेट ही नहीं था। अगर बात करूं एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ 10%, बात करूं अगर बेटा उसकी इंटरेस्ट की अगेन 10%। ये बातें क्लियर है आपको? और लिमिट पता है अभी तक लिमिट सैलरी में बेटा कोई लिमिट ही नहीं है, सैलरी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 192 है एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ पे कितने की लिमिट है? 50,000, और 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में लिमिट है 10,000 की। चलिए इसके बाद बेटा आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 194A। अच्छा, 194A को स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट चीज जो मुझे आपको स्पेशलाइज चीज बतानी है, बहुत आपको काम आएगी वो आगे के सभी सेक्शन में, फोकस करिएगा।
मतलब आगे के पांच छह इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट वाले सेक्शन इसी चीज से कंट्रोल होगी जो अपार्ट फ्रॉम सेक्शन में आपको बताऊंगा। बेटा आगे कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन आने वाले हैं जिनको मैंने नाम दिया है इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेक्शन। और इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेक्शन के बारे में एक चीज बहुत खास है बेटा, और इसी खास चीज से आपको पांच छह सेक्शन याद रहेंगे। आपको पता है इंपोर्टेंट कैटेगरी वाले सेक्शन में जितने भी सेक्शन होंगे, हो सकता है पांच हो सकता है दस हो, चलो मैं आपको क्यों छुपाऊं, मैं आपको बता देता हूं बेटा, पांच सेक्शन जो आपके सिलेबस के भी सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन है वो आपके आने वाले हैं, जिसमें से एक सेक्शन आपको ऑलरेडी पता है 194J। ऐसे ही कुछ पांच सेक्शन होंगे जिसको अपन ने नाम दिया है इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेक्शन। इन सेक्शन के बारे में एक चीज खास है, एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज बेटा ये है कि यहां पर आपका पेयर सभी सेक्शन में सेम होने वाला है और पेई भी सभी सेक्शन में सेम होने वाला है। चलिए पेई तो मैं आपको बता ही देता हूं बेटा, अगर इंपोर्टेंट कैटेगरी सेक्शन है, अगर इंपोर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन है तो पेई हमेशा होने वाला है रेसिडेंट पर्सन। हमेशा इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेक्शन में पेई कौन होगा बेटा? रेसिडेंट पर्सन। और पेयर बता दूं, पेयर थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाने वाला है, सरकार बोलती है सेक्शन इन सेक्शंस के अंदर यार, पेयर के केस में आप इंडिविजुअल एचयूएफ को अलग देखो, सरकार बोलेगी इंडिविजुअल और एचयूएफ को अलग रखो और अदर लोगों को अलग रखो। सरकार पता है क्या बोलती है? इंडिविजुअल एचयूएफ से बोलती है कि आपको टीडीएस जब ही डिडक्ट करना है जब आपका टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा हो। और आपको पता है 1 करोड़ 50 लाख ये वही लिमिट है जो आपने ऑडिट के अंदर देखी थी बिजनेस के लिए, 1 करोड़ 50 लाख प्रोफेशन के लिए। ध्यान से सुनिएगा ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेक्शन इसी बात से आप लिंक कर लोगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे वो। मैं आपको इस सेक्शन में बता रहा हूँ, अगले सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि सर इंपोर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन है, जैसे ही मैं बोल दूं बेटा इंपोर्टेंट कैटेगरी, आप समझ जाना कि पेयर ये पेई है। तो पेयर देखिए, पेयर के बारे में क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में सिर्फ वही वाले लोगों को आपको कंसिडर करना है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा हो। और बेटा ये इस साल नहीं, पिछले साल, आप टीडीएस इस साल डिडक्ट कर रहे हो लेकिन ये आपको किस साल का देखना है? लास्ट ईयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट टीडीएस किस साल डिडक्ट होगा प्रीवियस ईयर। लेकिन आपको ये जो 1 करोड़ 50 लाख देखना है ये आपको किस साल देखना है बेटे? लास्ट ईयर। तो ध्यान से सुनिएगा इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेक्शन के बारे में खास चीज, यहां पर पेयर, आपको पता है पेई तो सिंपल है, पेयर में आपको थोड़ा सा सोच के रखना पड़ेगा दिमाग में। पेयर में बेटा इंडिविजुअल एचयूएफ को रिलैक्सेशन है, वो सरकार बोल रही है कि छोटे मोटे इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेक्शंस में। इन लोगों को जब ही करना है बेटा, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आपको जब ही करना है जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा हो। अच्छा बेटा, अगर मैं अदर लोगों की बात करूं, अदर में पता है कौन आ जाएंगे? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एसेट्रा एसेट्रा। तो बेटा इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों को नो सच रिलैक्सेशन, मतलब कंपनी नई है 100 रुपए की इनकम है तो भी उसको करना है। सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को रिलैक्सेशन है कि यार पहले 1 करोड़ और पहले 50 लाख तक, पहले भी नहीं, पिछले साल अगर 1 करोड़ 50 लाख के अंदर थे, मतलब छोटे थे, तो आपको करंट ईयर में टीडीएस इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेक्शन में डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार वापस से रिपीट करूंगा, एक और सेक्शन में आपको रिपीट करूंगा, दो सेक्शन में टोटल बताऊंगा, आगे के सभी सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक है आपकी। चलिए इसको मैं हटा ही देता हूं आपके सामने। आपको पता है इंपॉर्टेंट कैटेगरी, अच्छा ऐसी कोई कैटेगरी इंस्टीट्यूट ने नहीं दी, ये आपको याद रखने के लिए मैंने बनाई एक कैटेगरी, और लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी यही सेक्शन होने वाले। तो इस सेक्शन को मैंने क्या नाम दिया है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी की एक लिस्ट है आपकी, पांच सेक्शन है टोटल। उस पांच सेक्शन में पहला सेक्शन अभी आप पढ़ोगे, अभी अपन ने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंपोर्टेंट कैटेगरी का अगर कोई भी सेक्शन है तो आप उसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट कैटेगरी में पेयर भी सेम होगा, सभी सेक्शन में पेई भी सेम होगा। पेई बड़ा सिंपल है बेटा, पेई कौन हो जाएगा? आपका कोई भी रेसिडेंट पर्सन। लेकिन पेयर के केस में आपको सोचना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल एचयूएफ है या फिर अदर। अगर बेटा वो इंडिविजुअल एचयूएफ है ना, तो हर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ यहां कवर नहीं होगा, सिर्फ बड़े वाले होंगे। और बड़े से मतलब क्या है बेटा? जिनका टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा रहा हो। और यार अगर कोई कंपनी वगैरह है तो कंपनी बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंपोर्टेंट कैटेगरी में फॉल करेगी। चलिए मुझे बताइए ना, इस चीज इसका क्या बेनिफिट है, मतलब ये कोई बेनिफिट गिवन है क्या? दिस इज रिलैक्सेशन गिवन टू स्मॉल इंडिविजुअल्स, दिस इज रिलैक्सेशन गिवन टू स्मॉल इंडिविजुअल टैक्स पेयर। यार आपको टीडीएस तो करना है लेकिन जब करना है जब आपका टर्नओवर पिछले साल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा था। वो लिमिट क्या है बेटा? वो ऑडिट वाली लिमिट 1 करोड़ और 50 लाख। ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब बेटा ध्यान से सुनना, अब अपन सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक छोटा सेक्शन है उसको अपन पढ़ ही नहीं रहे, अभी नहीं पढ़ रहे, मतलब अपन स्टार्ट कर रहे हैं 194A, आपके सिलेबस का सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 194A।
और बेटा जो अपन को चीजें समझनी थी वो अपन समझ चुके हैं, बेस अपन बना चुके हैं, सब चीज अपन को इजी जाने वाली है। बस एक ये वाली चीज और ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट कैटेगरी वाली, इंपोर्टेंट कैटेगरी का पेयर और इंपोर्टेंट कैटेगरी की पेई। चलिए यहां पर देखिए टीडीएस का सेक्शन का नाम देखिए, सिर्फ 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। आपको समझ आ रहा होगा बेटा यहां पर भी इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन फर्क है वहां पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था, यहां पर इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज है। और आपको पता है वो वाला जो सेक्शन था आपका आउटडेटेड सेक्शन था, लेकिन ये सेक्शन शायद हर किसी एसएससी पे लगता होगा क्योंकि इंटरेस्ट की बात हो रही है बेटा, हर किसी पर्सन को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। तो सभी लोग ध्यान देंगे सेक्शन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है टीडीएस के अंदर, सभी सेक्शन के नाम, सेक्शन नंबर 194A इंपॉर्टेंट कैटेगरी का पहला सेक्शन जो आप पढ़ रहे हो, सेक्शन नंबर 194A। नाम क्या है बेटा? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। पेयर कौन है? आपको पता है इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन है, मतलब पेयर आपको पता है सर इंडिविजुअल एटीएफ वही वाले कवर होंगे जिनका टर्नओवर 1,50,00,000 से ज्यादा हो, और अदर देन इंडिविजुअल एटीएफ सभी लोग सर इसमें कवर हो जाएंगे पेयर के अंदर। अच्छा पेई कौन होगा आप मुझे बता दीजिए? हमेशा रेसिडेंट पर्सन। टीडीएस का रेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप तो 10% का तुक्का लगाते चलो, जहां आप गलत हो गए मैं आपको बता दूंगा। सेक्शन नंबर 194A, अभी मैंने आपको बताया कुछ चार चीजें बताई है 194A में, और शायद आपको पता है ये चार चीजें और एक आध कुछ लिमिट और हो सकती है, ये पांच चीजें ही हर सेक्शन में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सेक्शन नंबर 194A इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, पेयर इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला, पेई इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला। टीडीएस का रेट कितना है बेटा? 10%। ध्यान से सुनिएगा, लिमिट है 40,000। कितने की लिमिट है? अब बेटा ध्यान से सुनना आप लोग, वैसे लिमिट है 40,000, लेकिन सरकार बोलती है अगर आप सीनियर हो तो 50,000। ध्यान से सुनना, बारीकी सुन लेना, क्योंकि बारीकी आपको सिर्फ मेरे साथ देखनी है ना, आगे आपको सिर्फ रीड करना है, इसलिए समझने पे बहुत फोकस करेगा। टीडीएस रटना तो है लेकिन आज के टाइम पे आपको अच्छे से फोकस करना, समझना भी है, ताकि आगे आप जब रीड करो तो आपको चीजें समझ होंगी, समझ आएंगी। तो बेटा लिमिट कितनी है इसमें? 40,000। बहुत सारे केसेस बना बना के आपसे पूछूंगा, लिमिट है 40,000, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट कितनी है? 50,000। आपको एक चीज बता दूं बेटा, ये 40,000 और 50,000 की लिमिट है बैंक के केस में। ये 40,000 और 50,000 की लिमिट किसके केस में बेटा? बैंक। अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपको बैंक जो पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव बैंक वगैरह मतलब समझ रहे हैं ना, वो लोग जो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको उनसे इंटरेस्ट मिलता है तो आपको कितनी की लिमिट लगेगी? सर नॉर्मली हम लोगों को लगेगी 40,000, और अगर कोई सीनियर है तो कितनी लगेगी? 50,000। बेटा ध्यान से सुनना, कल को मुझे एमपीटी खोलने के लिए पैसे की जरूरत ही हो, मैंने लोन लिया है आप लोगों से, ले सकता हूँ क्या? यस। और आप लोगों से मैंने लोन लिया, आप लोग मेरे स्टूडेंट थे और वहीं पर आप लोग सब फैकल्टी बन गए सब लोग, तो ध्यान से सुनना है, वहां पर अपन लोग सब लोग फैकल्टी बन चुके हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने जो मुझे लोन दिया है उसपे क्या मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा? यस, मैंने आपको इंटरेस्ट पे करा, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 194A के अंदर सभी तरीके के इंटरेस्ट कवर है, सिक्योरिटीज के अलावा कोई भी इंटरेस्ट होगा तो आपको पता है कौन सा सेक्शन लगने वाला है, सेक्शन नंबर 194A। और ध्यान से सुनना, यहां पर लिमिट 40 और 50 नहीं रहेगी बेटा, 40-50 तो बैंकिंग वाली लिमिट है, बैंकिंग वाली लिमिट है बेटा। यहां पर लिमिट बना कितनी रहेगी? 5,000। मतलब अगर कोई, अगर बेटा आपने मम्मी पापा से लोन लिया या फिर आसपास पड़ोसी दोस्तों से लोन लिया या किसी से भी लोन लिया है आपने, अगर 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट पे करा है उस पर्सन को, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ बेटा, एक चीज हाईलाइट करवाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा फोकस के साथ सुनिएगा। आपको पता है बहुत सारी फैमिली में ऐसे लोन दे देते हैं इंटरेस्ट पे थोड़ा बहुत, और 5,000 से तो ज्यादा ही इंटरेस्ट मिल जाता होगा, लेकिन कभी भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं। उसकी वजह है बेटा, सेक्शन नंबर 194A इंपोर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन है, हर किसी इंडिविजुअल हर किसी एचयूएफ इसमें कवर नहीं है, इसमें वही इंडिविजुअल वही एचयूएफ कवर है जिनका पिछले साल टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50,00,000 से ज्यादा था। समझिए बात को, ये बारीक पॉइंट है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार हमारे मम्मी पापा या कोई भी है वो तो टीडीएस नहीं करते। बेटा उनका टर्नओवर भी 1,50,00,000 से ज्यादा नहीं रहा होगा, और अगर रहा भी होगा तो उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ है। समझ रहे हैं मेरी बात? उनकी नॉलेज में बेटा होगा भी नहीं कि सेक्शन नंबर 194 है, आपसे टीडीएस की बात कर रहा है। चलिए और चीज ध्यान से सुनिएगा, अब बारीक पॉइंट पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। देखना आप लोग बहुत सारी चीजें गलत आंसर करोगे, बहुत सारी चीजें सही आंसर करोगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सही गलत दोनों आंसर आने वाले हैं। बेटा एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है एमपी नगर और एक ब्रांच है न्यू मार्केट। आपको बेटा एसबीआई की एमपी नगर ब्रांच से इंटरेस्ट मिला 30,000 और न्यू मार्केट ब्रांच से इंटरेस्ट मिला है 15,000, और आप हैं बेटा नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल मतलब वो 40,000 की लिमिट वाले पर्सन।
अब बताओ टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना, कायदे से एक बैंक का इंटरेस्ट दूसरे बैंक को नहीं पता होता अगर सीबीएस सिस्टम नहीं होता, लेकिन क्योंकि कोर बैंकिंग सिस्टम होता है बेटा, तो इस एसबीआई को पता है कि इस वाली एसबीआई ने भी आपको इंटरेस्ट दिया है, और टोटल इंटरेस्ट एसबीआई ने आपको कितना दिया है 45,000। क्या 45,000 40,000 से ज्यादा है? यस, तो आपका इंटरेस्ट, आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ये बात क्लियर है आपको बेटा? सभी अकाउंट मिला के, सभी अकाउंट मिला के अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 50,000 क्रॉस करता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा कोर बैंकिंग सिस्टम के केस में। और आपको पता है ना आजकल हर ही बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो करती है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, एक और केस आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपके पास लिखी सब रखी है, लेकिन आपको आज समझने पे फोकस करना है, क्योंकि आगे आपको ये चीजें पढ़नी नहीं है। एक चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी बेटा, आगे सिर्फ आपको सेक्शन की वो पांच चीजें इंपॉर्टेंट जो है ना, बस वो पढ़नी है, और बाकी चीज बस रीड करते हुए आगे बढ़ना है, वो भी फुल स्पीड में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए ध्यान आज दीजिएगा, क्योंकि आज जो ध्यान दोगे ना, वो आपको मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, वो आपको ध्यान रह जाएगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पर बेटा आपका एक और बैंक में अकाउंट है, यूनियन बैंक, और इस यूनियन बैंक से, एक सेकेंड थोड़ा सा फिगर में चेंज कर रहा हूं बेटा, यहां पर आपको इंटरेस्ट मिला है 20,000, फिर यहां मिला 15,000, मतलब टोटल एसबीआई से कितना मिला आपको 35,000। और बेटा इस बार आपको यूनियन बैंक से मिल गया 10,000, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है आपको 45,000। टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बेटा ध्यान से सुनना, कोर बैंकिंग सिस्टम में एक बैंक की एक ब्रांच को दूसरी बैंक की, उसी बैंक की सभी ब्रांच का पता है, लेकिन किसी दूसरी बैंक का डेटा थोड़ी इसके पास है यार, समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, यहां पर आपको ये जो लिमिट देखनी है ना 40,000 50,000, दिस इज पर बैंक। ये 40,000 50,000 लिमिट की लिमिट जो है ये बेटा पर बैंक है, ये पर ब्रांच नहीं है, दिस इज पर बैंक। एसबीआई के जितने भी अकाउंट है सब ब्रांचेस में सबका मिला के 40,000 50,000, लेकिन भैया कोई दूसरी बैंक में अकाउंट है तो उसको आपको अलग देखना पड़ेगा। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए और चीजें देखिएगा मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि बेटा ये मतलब आप समझ लीजिए इंपोर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन ही आपके बड़े सेक्शन होंगे। ये आपका बड़ा सेक्शन है, पहला सेक्शन 194 है, और टोटल इसे पांच सेक्शन है। देखिए क्या लिखा है, एक बार आपको पढ़वा रहा हूं मैं। लिखा है नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट पेड टू बैंक, सॉरी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक कोऑपरेटिव बैंक कॉस्ट ऑफ इट अप टू 40,000। 40,000 तक टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा है लिमिट इज 50,000 इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट आपके ऊपर लगेगी। अच्छा ये 40,000 और 50,000 वाली लिमिट किसके लिए? बैंक। नीचे लिखा है इन एनी अदर केस, अगर मिस्टर माज ने आप लोगों से लोन लिया तो लिमिट 40-50 नहीं लगेगी बेटा, लिमिट कितनी लगेगी? 5,000। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए इसके बाद देखिए और भी कुछ चीजें लिखी है यहाँ पर नीचे आपके, थोड़ा सा फोकस करना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो 194A में बेटा हर चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। लिखा है बेटा इंटरेस्ट पेड बाय फॉर्म टू पार्टनर, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, यस 194A इज नॉट एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है बेटा टीडीएस की जरूरत नहीं है। और लिखा है देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स। अच्छा मुझे आप एक चीज बताइए, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट क्या सरकारी देती होगी? क्या सरकार को ऑलरेडी पता है कि वो आपको इंटरेस्ट दे रही है? क्या उसको कोई अलग से कंट्रोल रखने की जरूरत है? नहीं। तो भैया अगर आपको इनकम टैक्स से इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी आपको जरूरत नहीं है। फिर देखिए और क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। बेटा सेविंग बैंक अकाउंट में 40,000 50,000 छोड़ो, सेविंग बैंक अकाउंट में 10, 20, 25, 50, 100, 144 है ना ऐसा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में ज्यादा आप पैसा रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं करोड़पति भी अगर कोई लोग होते होंगे ना तो उनके सेविंग अकाउंट में 10-12 लाख रुपए रहते हैं, और वो भी रनिंग में नहीं रहते, रनिंग में रहते हैं वो भी। और बेटा उनका इंटरेस्ट मैक्सिमम पता है 35-40,000 जाता होगा, बड़े से बड़े पर्सन का की बात कर रहा हूं मैं। आप कभी भी बेटा ऐसा नहीं करोगे सेविंग बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए रख दो, रख दोगे तो इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे आपके फौरन। सेविंग बैंक अकाउंट में जिस दिन आपके 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो जाता है आपके ऊपर इनकम टैक्स वाले की नजर स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाते हैं। आपको पता है हम वो गूगल पे वो सब करते रहते हैं बेटा, इनकम टैक्स वालों को नहीं मालूम कि आप ऐसे मजाक मस्ती में दोस्ती यारी में कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पैसा आता है तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आता है फिर आपको कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या आपकी इनकम है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस चीज को मतलब करा करिए, करने की कोई दिक्कत नहीं, सेविंग बैंक अकाउंट में तो कर भी सकते हैं, करंट अकाउंट में कभी मत करना, लेकिन उस चीज का फिर भी एक मतलब
एक हद तक करें उसको, एक लिमिट तक करें, ज्यादा ना करें। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, लिखा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। बेटा ध्यान से सुनना, पहला लिखा है फर्म टू पार्टनर, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक। आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बेटा, आपकी क्या औकात, आप बैंक का डिटेल रिटर्न करोगे? अरे बैंक से अपन लोन लेते हैं तो इस बार अपन को इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस बार अपन बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या बैंक का टीडीएस काट लोगे कि ये लो बैंक 60,000 की जगह 54,000 और 6,000 रुपए का सरकार को देंगे? नहीं, औकात के अकॉर्डिंग भी काम करना है थोड़ा सा अपन को, ठीक है? तो भैया बैंकिंग अगर आप किसको पे कर रहे हो, बैंक को पे कर रहे हो, LIC UTI को पे कर रहे हो, तो उनको टीडीएस नहीं करना है अपन को। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बोर्ड। आपको पता है जीरो कूपन बोर्ड पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, वो डिस्काउंट मिलता है। और 194A talks about interest, तो zero coupon bond के केस में भी TDS deduct नहीं किया जाएगा। Section number 192, 194A आपके लिए एक important section है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बार मैं वापस से थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। बेटा पहले अपन है ना चीजों को, बारीक चीजों को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। और जब तक मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको एक सेक्शन जितनी उसकी औकात है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ है उसमें, तो जब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए सब लोग ध्यान देंगे, सेक्शन नंबर 194A, क्या नाम है 194A का यार? इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। पेयर एनी पर्सन है या फिर पेयर इंपोर्टेंट कैटेगरी वाला पेयर है? इंपोर्टेंट कैटेगरी वाला पेयर। अच्छा पेई भी हर कोई है, इंपोर्टेंट कैटेगरी वाला पेई। और टीडीएस का रेट बताइए आप तो मुझे। सर टीडीएस का रेट है 10% और लिमिट है 40,000, 50,000, 5,000। अब आप 40,000, 50,000 नहीं बेटा, अब आपको याद रखना पड़ेगी 40, 50, 5। 40 नॉर्मल सिटीजन बैंकिंग केस में, 50 सीनियर सिटीजन बैंकिंग केस में, 5,000 नॉन बैंकिंग केस में। सभी लोग चाहे सीनियर हो चाहे सुपर सीनियर हो, कोई भी हो बेटा, कितनी लिमिट है? 5,000। फिर कुछ चीजें जो आपके लिए बेटा, क्योंकि सेक्शन इंपोर्टेंट कैटेगरी वाला है तो इसकी बातें थोड़ी इंपोर्टेंट है। आपको पता है ये 4-5 केस अच्छे से इनकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कि जरूरी आपको कभी लिखने को नहीं आएगा कि 5 केस बता दो जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके सामने वो एक केस 2 नंबर का बना के दे सकता है कि इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट पे 25,000 रुपए, या फिर बोल सकता है 50,000 रुपए, 40,000 से ज्यादा। और आपसे पूछेगा टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा, आप पता है गलती से कर सकते हो कि टीडीएस डिडक्ट कर दो, जबकि सेविंग बैंक अकाउंट पे टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। तो ध्यान से सुनना बेटा, कुछ केसेस में आपको टीडीएस पे इंटरेस्ट डिडक्ट कर, कुछ केसेस में आपको इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, नहीं है जरूरत। सेविंग बैंक अकाउंट पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो आपको जरूरत नहीं है उसपे। और बेटा आपको जरूरत नहीं है अगर कौन कौन से केस है बेटा, एक केस है पार्टनरशिप फर्म वाला केस, दूसरा केस कौन सा है सेविंग बैंक अकाउंट, तीसरा जब आप बैंक वगैरह को या बड़े बड़े लोगों को दोगे तो टीडीएस की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, एक चीज सुनना बात को, यहाँ पर बैंक्स को मना है, यहाँ पर बैंक्स वगैरह को मना है, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री को मना नहीं है, इन लोगों को मना है बेटा, इन कैटेगरी को मना है। बैंकिंग कंपनी है कोई, LIC वाली कंपनी है कोई, UTI वाली है, इन लोगों को नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री भी अपनी औकात से बहुत बड़ी है, लेकिन उसका अपन टीडीएस 194A में कर देंगे अगर उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। आपको पता है एक चीज सुनना बात को, जब आप बिजनेस करते हो ना बड़े लोगों के साथ, मान लीजिए आप बेटा रिलायंस के साथ बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है टाइमली आपको पेमेंट करना होती है, अगर नहीं करते हो ना तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, 194A के अंदर वो कवर हो जाएगा। और बेटा अगर वो 40,000, 50,000 छोड़ो, रिलायंस से इंटरेस्ट मिलेगा तो 5,000 की लिमिट लगेगी। अरे अदर कैसे ना, रिलायंस कोई बैंकिंग कंपनी थोड़ी है बेटा, वहां पर कौन सी लिमिट लगेगी? 5,000। तो टीडीएस 194A में आपको डिडक्ट करना पड़ेगा 5,000 पे भी। चलिए और देखिए क्या है आपका। अब बेटा इस सेक्शन को 2 मिनट के लिए यहीं पर होल्ड कर रहा हूं, आऊंगा वापस इसी सेक्शन पे। इसके बाद वाला सेक्शन देखिए आप, थोड़े से अब ना आपके बहुत कंट्रोल में चीजें आने लगेंगी। अब इसके बाद सेक्शन है बेटा 194B, और बी से आपको याद रखना है बड़े लोग। अब थोड़ा सा ट्रिक में अपन को खेलना पड़ेगा 194B, बी से आपको क्या याद रखना है बेटा, बड़े लोग। अच्छा मुझे बताइए बड़े लोग पैसा कहां लगाते हैं? सट्टे में। सेक्शन नंबर 194B, बी से आपको क्या याद रखना है बेटा, बड़े लोग। बड़े लोग पैसा कहां लगाएंगे? सट्टा। ध्यान से सुनना यार मेरी बात, पेयर होगा यहाँ पर एनी पर्सन, देखिए इधर पेयर कौन है आपका? एनी पर्सन। पेई कौन है आपका? एनी पर्सन। और टीडीएस का रेट देखिए 30%। आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, सट्टा वगैरह अच्छी इनकम नहीं है, सरकार आपसे टीडीएस भी ज्यादा करवा रही है। कितना? 30%। बेटा ध्यान से सुनना सभी लोग, सेक्शन नंबर 194B से आपको क्या याद रखना है? बड़े लोग। पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, टीडीएस का रेट कितना है? 30%। देखिए मैं आपको बता दूं ज्यादातर केस में 10% है, लेकिन कहीं अलग भी है। और मैं आपको बताऊं 194B तो कोई बच्चा भूलेगा ही नहीं, बिना रिवाइज करे भी आपको 194B बड़े लोग ध्यान दे जाएगा। 194B क्या है बेटा? बड़े लोग। पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, टीडीएस का रेट है 10% और लिमिट है 10,000।
टीडीएस का रेट है 30% और लिमिट कितनी है 10,000। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बारीक क्वेश्चन फोकस करिएगा, एक बारीक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं बेटा। आपने सट्टे में कार जीत ली, आपने सट्टे वगैरह में कार जीत ली, लोटरी में आपने कार जीत ली, अब बताओ टीडीएस कैसे डिडक्ट करोगे। मान लीजिए बेटा मैंने यहां पर सट्टा खिलवाया और आप लोगों ने कार जीत ली, अब मैं आपको कार दूंगा तो क्या कार के टायर खोल के दूं आपको कि 10% या 30% टीडीएस? नहीं। अब मुझे बताइए ना लॉजिकली क्या करना चाहिए, बेटा सरकार ने बताया यहां पर। अच्छा यहां पर प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप समझ रहे होंगे सर। टीडीएस पेमेंट में से डिडक्ट होता है कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको डिडक्ट कर लें, कम पे करें उसे, लेकिन सर कार में से कैसे कम कर दे दें उसे? बेटा ध्यान से सुनना, सरकार आपसे बोलती है और ऐसा बहुत सारी जगह बोलेगी सरकार आपसे, सरकार बोलती है आप जब तक कार नहीं दोगे जब तक वो सामने वाला पर्सन खुद उतना टैक्स पे ना कर दे, आप जब तक कार रिलीज नहीं करोगे जब तक सामने वाला पर्सन आपको उतना टैक्स का प्रूफ दे दे कि इतना टैक्स मैंने पे कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की कार, बेटा 10 लाख रुपए की कार आप लोगों ने जीती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं जब तक कार को आप लोग के हवाले नहीं करूंगा, पोजीशन नहीं दूंगा, रिलीज नहीं करूंगा, जब तक बेटा आप 10 लाख रुपए पे 30% मतलब कितना 3 लाख, जब तक आप 3 लाख रुपए का खुद से टैक्स पे ना कर दो, जब तक मैं बेटा उस पर आपको कार को रिलीज नहीं करूंगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? ये बारीक पॉइंट है बेटा जो आपको आगे से रीड करने हैं और आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन नंबर 194B, सेक्शन नंबर 194B, बी से आपको क्या याद रखना है, बड़े लोग पेयर एनी पर्सन पे एनी पर्सन, टीडीएस का रेट है 30%, लिमिट है 10,000। और बेटा अगर आपका जो लॉटरी वगैरह है वो अगर काइंड में है तो उस केस में आप टीडीएस जब तक उस चीज को रिलीज नहीं करोगे जब तक आप इंश्योर ना कर लो कि सामने वाले ने उतना टैक्स पे कर दिया है। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए इसके जस्ट वाला सेक्शन बहुत ही अच्छा सेक्शन 194BB। अच्छा बी से बड़े लोग है तो बीबी से हो जाएगा बहुत बड़े लोग, सेक्शन नंबर 194B बड़े लोग, 194B बहुत बड़े लोग है ना, बड़े लोग 194B बड़े लोग है और 194BB क्या हो जाएगा आपका बहुत बड़े लोग। एक चीज बताना बेटा, अच्छा सुनना, ये जो भी आपको ट्रिक्स बताई जाए ना उनको लिखते जाना आप, यही चीजों से आपको टीडीएस कंट्रोल में रहने वाला है। सेक्शन नंबर 194B बड़े लोग, 194BB बहुत बड़े लोग। बेटा बड़े लोग सट्टा खेल रहे थे तो बहुत बड़े लोग क्या सट्टा खेलेंगे या वो और ज्यादा कुछ बड़ा करेंगे? याद है आपको अपन ने एक चेतक बनाया था बेटा 194BB बहुत बड़े लोग पैसा लगाएंगे हॉर्स रेस पे, बड़े लोग पैसा लगाएंगे सट्टे पे और बहुत बड़े लोग पैसा लगाएंगे हॉर्स रेस। सेक्शन एज इट इज सेम है, पेयर एनी पर्सन पे एनी पर्सन, टीडीएस का रेट है 30% और लिमिट है 10,000। सेक्शन इधर ध्यान से सुन लीजिए बेटा, 194B और बीबी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि बी में लॉटरी वगैरह है और बीबी में हॉर्स रेस है, बाकी दोनों में पेयर कौन है, एनी पर्सन पे ही कौन है, एनी पर्सन, टीडीएस का रेट भी दोनों में सेम है 30% और लिमिट भी दोनों में सेम है 10,000। मतलब कह सकते हैं कि बेटा दो सेक्शन नहीं है, एक ही सेक्शन है ना। बस आपको सेक्शन का नाम याद रखना है, 194B में क्या नाम देख लीजिए एक बार, सेक्शन 194B का नाम देखिए क्या लिखा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड गेम एसेट्रा। बेटा मैं आपको बता दूं अगर आप केबीसी वगैरह से पैसा जीतते हो तो भी आपको 194B ही लगता है, ठीक है। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति, आपने सुना होगा सर वो 7 करोड़ जीते ना, पूरा 7 करोड़ वो देते ही नहीं है, वो 30% पहले ही काट लेते हैं बेटा 194B में काटते हैं वो 30%, ठीक है। अगर आप 10 करोड़ रुपए जीत लेते हो ना तो वो आपको 10 करोड़ नहीं काटते हैं, 10 में से 3 करोड़ डिडक्ट करने के बाद आपकी पॉकेट में 7 करोड़ देते हैं, पॉकेट में नहीं देते, बैंक अकाउंट में देते हैं 7 करोड़। सेक्शन नंबर 194B। अच्छा एक चीज ईमानदारी से, सेक्शन इजी होने वाले हैं, सभी सेक्शन आपको याद भी हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, बस बेटा इंपोर्टेंट कैटेगरी वाले सेक्शन में आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए हर बच्चे का। चलिए एक काम करिए बेटा, अभी तक जितने भी सेक्शन अपन ने पढ़े हैं इसको कंपाइल करेंगे, फिर 194A को खत्म करेंगे, 194A खत्म नहीं करा है मैंने अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको हटा रहा हूं मैं अब आपके सामने, आपका 100% फोकस चाहता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि आज अपन जिस लेवल पे टीडीएस में आ चुके हैं कल, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब अपन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस जो सीखना था वो सीख चुके हैं, अब बस अपन स्मूथली बस चलते चले जाएंगे और इजीली हो जाएगा, कुछ नहीं है अब। चलिए सभी लोग ध्यान देवे, बस एक बार अभी तक का मुझे आप एक बार मतलब ये यकीन दिला दे कि हाँ अभी तक का सब क्लियर है। चलिए स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल। टीडीएस सिर्फ टैक्सेबल इनकम के केस में पे किया जाएगा, कभी भी एग्जेम्प्ट इनकम के केस में नहीं। अच्छा टीडीएस की लायबिलिटी किस टाइम पे आती है सर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, व्हिचएवर इज अर्लियर, विद 5 एक्सेप्शन, सैलरी, ईपीएफ पेमेंट। एक सेकेंड बेटा ध्यान से सुनना कुछ बारीक, क्योंकि अब मैं आपको कोरिलेट कराना चाहता हूं चीजें।
टीडीएस की लाइबिलिटी आती है बेटा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इसके पांच एक्सेप्शन सैलरी, ईपीएफ पेमेंट, बिलिंग, मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन। सभी बच्चे अच्छे से फोकस करें क्योंकि कुछ काम की चीजें मुझे बतानी है आपको। आपको पता है सैलरी और ईपीएफ पेमेंट आप पढ़ चुके हो, सैलरी मतलब 192 और ईपीएफ पेमेंट मतलब 192A। वो जो पांच एक्सेप्शन है ना उस पांच में से दो तो आप पढ़ ही चुके हो, अरे तीसरा भी पढ़ चुके हो बेटा विलिंग। अभी आप क्या ही पढ़ रहे थे 194B और 194BB विलिंग्स, अरे यस और नो। तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं बेटा 192 सैलरी या फिर 192A एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ या फिर 194B और बीबी टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर करोगे या ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट करोगे? ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? पांच जो चीज थी ना उसमें से तीन तो आप पढ़ चुके हो। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको और चीज सिखाई थी बेटा, टीडीएस के रेट फिक्स हैं जनरली, टीडीएस के रेट बेटा जनरली फिक्स है, लेकिन सर सैलरी के केस में फिक्स नहीं है। आपको पता चल चुका है सर सैलरी के केस में तो रेट ही नहीं है, फिक्स क्या है ना सैलरी के केस में तो रेट ही नहीं है। और बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप टीडीएस नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी का करते हो तो बेटा आपको सरचार्ज सेस वगैरह भी चार्ज करना पड़ेगा वहां पर। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, आप मुझे बताइए ना बेटा अगर कौन बनेगा करोड़पति में 10 करोड़ रुपए मान लीजिए मिस्टर पुतिन जीत के लेके जा रहे हैं तो क्या 3 करोड़ का टीडीएस करवाओगे? सर 10 करोड़ पे 30% तो लगाएंगे, लेकिन सर 10 करोड़ पे उनको 37% सरचार्ज भी लगेगा और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। टीडीएस के रेट वैसे तो फिक्स है, लेकिन सर अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है या फिर सैलरी वगैरह है तो टीडीएस का रेट फिक्स नहीं है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए इसके बाद टीडीएस कमर्शियल पर्सनल किस पर्पस पे लगेगा? सर टीडीएस कमर्शियल और पर्सनल दोनों पर्पस पे लगेगा एक्सेप्ट टू सेक्शंस 194C 194J, दोनों सेक्शन अभी तक नहीं पढ़े। इन दो सेक्शन में टीडीएस सिर्फ कमर्शियल पर्पस से लगेगा। चलिए इसके बाद बेटा ध्यान से सुनना आप लोग, अगर एपीटी ने टीडीएस जमा नहीं करा, अगर एपीटी ने टीडीएस जमा नहीं करा तो क्या मिस्टर मास मना कर सकते हैं टैक्स पे करने से? नहीं सर, मिस्टर मास इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर पेइंग टैक्स। ये बात क्लियर है आपको? डायरेक्ट टैक्स वही पे करता है बेटा जिसकी इनकम होती है, है ना। वो तो टीडीएस वीडीएस तो सिर्फ बीच की ऐसी चीज है जो कि आपको वापस मिल जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद अपन ने कुछ सेक्शन पढ़े थे, वो सेक्शन में प्लीज फोकस के साथ आएंगे बिल्कुल। और बेटा अभी तक के सेक्शन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, अगर अभी तक के कंट्रोल में फिर पूरा स्मूथ जाने वाला है फिर आज के बाद से। तो चलिए सेक्शन नंबर 192 सैलरी पेयर एनी पर्सन पेई एनी पर्सन। टीडीएस का रेट ही नहीं है, टीडीएस का रेट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, है ना। और टैक्स कितना डिडक्ट करोगे? सर जितना टैक्स आएगा उतना ही टीडीएस कर लेंगे, यस और नो? चलिए इसके बाद अदर, सर स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट सर अदर इनकम भी कंसीडर कर लेंगे, अदर डिडक्शन भी कर लेंगे, लॉसेस नहीं करेंगे सर, एक लॉस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी लॉस। अगर बेटा तीन जगह पे काम कर रहा था तो तीनों करेंगे या कोई भी एक कर लेगा? मर्जी किसकी? इंप्लॉई। क्लियर है आपको? चलिए इसके बाद सेक्शन नंबर 192A एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ पेयर एनी पर्सन पेई एनी पर्सन। टीडीएस का रेट है 10%, लिमिट है 50,000, ये भी क्लियर है। चलिए इसके बाद बेटा सेक्शन नंबर 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट है तो 193, अदर है तो 194A। अरे यस और नो? ध्यान से सुनना बेटा, 193 आउटडेटेड सेक्शन है लेकिन 194A इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 193 की बात करेंगे अभी सिर्फ, पेयर एनी पर्सन पेई रेसिडेंट पर्सन। टीडीएस का रेट है 10% और लिमिट है 10,000, अरे यस और नो? बाकी क्योंकि वो सेक्शन ज्यादा काम का नहीं है तो ज्यादा उसमें घुस नहीं रहा हूं मैं। इसके बाद बेटा काम के सेक्शन पे आते हैं, काम का सेक्शन 194A। प्लीज फोकस करिएगा सेक्शन नंबर 194A में। एक काम करते हैं बेटा 194A में बाद में आते हैं, पहले 194B और BB। 194B कौन सा है? बड़े लोग। और 194BB कौन सा है? बहुत बड़े लोग। सर बड़े लोग पैसा लगाएंगे लॉटरी सट्टे वगैरह में, पजल्स वगैरह खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, कैसीनोज में जाएंगे, यस और नो? सर बहुत बड़े लोग तो घोड़े के हॉर्स रेस में पैसा लगाएंगे, हाँ या ना? बस बेटा सेक्शन का नाम आपको ऐसे याद रखना है, बाकी सेक्शन एग्जैक्टली सेम है, पेयर एनी पर्सन पेई एनी पर्सन। और टीडीएस का रेट है 30% और लिमिट है 10,000। क्लियर है आपको ये चीज? टीडीएस का रेट है, टीडीएस का रेट है 30% और लिमिट कितनी है बेटा? 10,000। चलिए इसके बाद अब 194A को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि एक चीज मैंने आपको बताई नहीं थी, मैं जानबूझ के बताना नहीं चाह रहा था उस टाइम पे, बताऊंगा। पहले तो आपको मुझे मतलब लाना पड़ेगा कि आपको 194A ग्रिप में है। चलिए सेक्शन नंबर 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज,
पेयर एनी पर्सन होगा क्या? नहीं, 194A इंपॉर्टेंट कैटेगरी का पहला सेक्शन, आगे चार और पढ़ोगे बेटा, सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? 194A। बेटा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन मतलब एक काम करेंगे, आप खड़े हो जाएंगे बेटा, हाँ आप खड़े हो जाओ सर। पेई हमेशा रहे, सर इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में दो चीज कॉमन है सर, पेई भी कॉमन है और पेयर भी कॉमन है, और पेई हमेशा कौन होगा? रेसिडेंट पर्सन। हाँ पेयर कौन होगा बेटा? सर इंडिविजुअल एचईएफ को अलग देखेंगे और अदर लोगों को अलग देखेंगे। किसको रिलैक्सेशन है? ऑडिट वाली लिमिट, लेकिन बेटा लिमिट ऑडिट वाली है, लेकिन याद ऐसे मत रखना, लिमिट याद तो कैसे रखना है, 1,50,00,000 करंट ईयर या पिछले साल? सर अगर पिछले साल में बड़ा इंडिविजुअल था, पिछले साल बड़ा एचईएफ था, तो ही करंट ईयर में मेरे ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, सेक्शन नंबर 194A इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले सेक्शन में। आई एम रिपीटिंग, बैठ जाइए बेटा, 194A में पेयर पेई बहुत खास है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले सेक्शन में बहुत खास पेयर पेई है। और कंफ्यूजन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसी से आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर होगी। पेई के बारे में पता है, एक चीज कॉमन है, सभी पेई 194A वाले में सेम है। कौन है बेटा पेई? रेसिडेंट पर्सन। अच्छा पेयर भी कॉमन है, अगर इंपॉर्टेंट कैटेगरी सेक्शन है तो पेयर सेम है। सर इंडिविजुअल एचईएफ को अदर देखेंगे, अदर को अलग देखेंगे। इंडिविजुअल एचईएफ में से वही वाले इंडिविजुअल एचईएफ कवर होंगे जिनका टर्नओवर पिछले साल 1,00,00,000 या फिर 50,00,000 से ज्यादा था। सर कंपनी के केस में सभी कंपनी सभी फर्म, नो सच रिलेशन, मतलब सभी कंपनी सभी फर्म के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए मैं बिजनेसमैन हूं या प्रोफेशनल हूं? मान लीजिए कल को मुझे 194A में टीडीएस डिडक्ट करना पड़े किसी का, तो आप देखोगे पिछले साल मेरा टर्नओवर 50,00,000 से ज्यादा था क्या? अगर था तो ही करंट ईयर में 194A मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। समझ रहे मेरी बात? और बेटा एक चीज मैं आपको पीडीबीपी से लिंक करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा एक चीज, एक बारीक पॉइंट पीडीबीपी से लिंक करवा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है। पीडीबीपी में सेक्शन नंबर 40AI और 40AIA में लिखा था, इफ यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट करना कब होता है या आप आज सीख रहे हो, समझना मेरी बात। पीडीबीपी में आपने पढ़ा था, अगर आपको किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, मतलब किसी ना किसी सेक्शन की वजह से टीडीएस की लाइबिलिटी थी और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा या फिर डिडक्ट कर लिया पे नहीं करा, तो आपको 30% या फिर 100% क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। एक बार बेटा 194A के साथ अपन क्लास कंप्लीट ही कर रहे हैं, जल्दी से एक बार प्लीज थोड़ा एनर्जी के साथ, सेक्शन नंबर 194A इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज पेयर इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला पेयर, पे भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला, टीडीएस का रेट है 10%, लिमिट है 40,000, 50,000 और 5,000। सर 40,000 नॉर्मल केस में बैंकिंग, 50,000 नॉर्मल केस बैंकिंग, 5,000 बाकी सभी केस में। और बेटा सेविंग बैंक अकाउंट पे टीडीएस की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप हम पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेंगे, टीडीएस की जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं ये सब चीजें, सेविंग बैंक अकाउंट पे जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप वाले केस में जरूरत नहीं है। सर अगर हम बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है बेटा। और इनकम टैक्स पे अगर कोई आपको इंटरेस्ट मिलता है, मैंने आपको बताया था रिफंड मिलता है आपको टीडीएस वगैरह, तो बेटा रिफंड अलग विद इंटरेस्ट मिलता है आपको, वहां पर सरकार आपको ब्याज पे कर रही है, ध्यान से सुनना, उस ब्याज पे सरकार आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, ठीक है? अब मेरी बात एक चीज सुन लीजिए, अच्छा जीरो कूपन बॉन्ड यहां पर लिखा है, जीरो कूपन बॉन्ड के केस में आप बताइए टीडीएस इंटरेस्ट का सेक्शन लगेगा या वो तो डिस्काउंट था वैसे भी डिस्काउंट। अब बेटा एक और पॉइंट जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था, बस वो पॉइंट ज्यादा काम का नहीं, इसलिए उस टाइम बताया भी नहीं था, उस टाइम सिर्फ काम काम की चीज डिस्कस करी थी। एक बार सुन लीजिए, इजी है, आप ऑलरेडी इस जैसा पॉइंट पढ़ के बैठे हो, और टीडीएस में होने यही वाला है बेटा, वो रिपीटेड चीजें आने वाली है आपके पास, बस मेनली आपको चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुनना। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी बच्चे ध्यान दे, देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है इस बार? कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पता है पे किसको कर रही है? या तो अपने मेंबर को, या तो अपने मेंबर को कर रही है बेटा, या फिर किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कर रही है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को अगर इंटरेस्ट पे करती है, ध्यान से सुनना, उसके ऊपर 194A जब ही लगेगा जब पिछले साल उसका टर्नओवर 50,00,00,000 से ज्यादा था। इंडिविजुअल एचईएफ को 1,00,00,000 का रिलैक्सेशन है, 50,00,00,000 का रिलैक्सेशन है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को पता है कितने का है? 50,00,00,000 सिर्फ एक ही सेक्शन में, हर सेक्शन में नहीं है बेटा, मतलब इसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी से लिंक मत करना, सिर्फ 194A के लिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं, और बात भी कोई बहुत ज्यादा काम की नहीं है और बात समझने में बहुत आसान है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर अपने ही मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करेगी, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके ऊपर 194A जब ही एप्लीकेबल होगा जब पिछले साल उसका टर्नओवर 50,00,00,000 से ज्यादा था।
एक करोड़ नहीं बोला, 50 लाख नहीं बोला बेटा, कितना बोला? 50 करोड़। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, लिमिट कौन सी लगेगी, 40, 50 या 5000? बेटा 40,000, 50,000 वाली लिमिट लगेगी, वही बैंकिंग वाली लिमिट आपकी। ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब एक चीज है ना, इस चीज को बेटा यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं मैं, इसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूं, एक छोटी सी चीज है बेटा, एक बिल्कुल 30 सेकंड की चीज है, उसको देख लेना। यहां पर लिखा है इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक, LIC, UTI और एनी इंश्योरर, सेक्शन नंबर 194A में TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग NBFC से लोन लेते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, TDS इज एप्लीकेबल इन दोज केसेस, ठीक है? अगर आपने बेटा किसी नॉन बैंकिंग, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को रिलैक्सेशन नहीं है, रिलैक्सेशन किसको है बेटा? बैंक, LIC, UTI और इंश्योरेंस कंपनीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बेटा NBFC को, आपको पता है ना वो ऐसी कंपनी रहती है शुभम फाइनेंस और ये फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ना जाने, अगर आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो 40,000, 50,000 से ज्यादा है, तो भैया आपको उस पर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 194A के अंदर। ये एक बारीक पॉइंट है जो प्रैक्टिकली आप लोगों को पता नहीं होता है। चलिए इसका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं था। और अब बेटा अभी अपन जो सेक्शन पढ़ेंगे, जिससे अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, पहले वाले से भी ज्यादा है ये, सेक्शन नंबर 194C। अच्छा प्लीज ध्यान से सुनना भैया, थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है सबसे पहले, चीजें याद करने की कोशिश मत करना, वो मैं करवा दूंगा आपको, पहले आप चीजें समझ लेना, वो ज्यादा काम की है आपके लिए। तो सेक्शन नंबर 194C से बेटा आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट, सी से आज के बाद क्या याद रखोगे आप? 194C फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, पेयर पे ही आपको बताने की जरूरत है या फिर आपको पता है इंपॉर्टेंट कैटेगरी का पेयर और पे ही? आपको पता है, मैं अगर आपको रिवाइज करवाना चाहूं, क्योंकि बहुत दिन बात पढ़ रहे हैं, तो सर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कॉमन तो यही था, पेयर और पे ही सेम होने वाले थे, और आपको पता है पे ही में बड़ा सिंपल था, रेसिडेंट पर्सन, और पेयर के केस में बेटा सभी लोगों को अदर अलग देखना था, इंडिविजुअल एचयूएफ को अलग देखना है। वापस से सब लोग एक बार फोकस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपके काम की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट कैटेगरी के सेक्शंस जितने भी होंगे सब में कॉमन होने वाला है। पेई कौन होगा आप बता दीजिए मुझे? सर पेई विल ऑलवेज बी रेसिडेंट पर्सन, हमेशा रेसिडेंट पर्सन क्या हो जाएगा आपका? पेई। अच्छा पेयर कौन होगा बेटा? सर डिपेंड करता है, सर वो डिपेंड करता है कि वो है कौन, अगर वो इंडिविजुअल HUF है तो कुछ और होगा, और सर अगर वो अदर है तो कुछ और होगा। बताइए अदर वाले क्या सभी लोग कवर है? यस। अच्छा क्या इंडिविजुअल HUF सभी कवर है? नहीं। कौन से वाले इंडिविजुअल HUF कवर है? सर ऐसे इंडिविजुअल HUF जिनका टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा था। ये बात क्लियर है सबको? एक बार ईमानदारी से कॉन्फिडेंटली हाथ उठा के ईमानदारी से बताएंगे किस किस को ये बात अच्छे से पता है, इंपोर्टेंट कैटेगरी सेक्शन के पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए वेरी गुड। तो अभी अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, जो बच्चे लेट आए ध्यान देना, क्योंकि अपन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन से अपन ने क्लास स्टार्ट करी है, एंड आई कैन से कि दिस इज वन, मतलब यू कैन से कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194C जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 194C से आपको याद रखना है बेटा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। पेयर कौन होगा? देखिए क्या लिखा है पेयर के बारे में, एक बार पढ़ के बता देता हूं, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF। बेटा ये AOP BOI मत देखना आप। चलिए बेटा अब थोड़ा सा है ना फोकस ईमानदारी से करना सब लोग। सेक्शन नंबर 194C से आप याद रखोगे सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, पेयर कौन है आपको पता है, पेई कौन है आपको पता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर TDS का रेट देखिए अलग टाइप का सेक्शन है, अभी तक के सेक्शन से थोड़ा अलग है। अभी मुझे बताइए किसी भी सेक्शन में मल्टीपल रेट थे क्या अभी तक? नहीं। 194C देखिए ध्यान दीजिएगा, 194C आपसे बोल रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल HUF है तो कितना परसेंट? 1। और अगर आप इंडिविजुअल HUF नहीं है कोई और है तो कितना हो जाएगा बेटा? 2%। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे और बहुत समझने वाला सेक्शन है आपका, मतलब इससे ज्यादा समझने वाला, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का कोई सेक्शन ही नहीं है, इतना बड़ा सेक्शन है और इतना काम का भी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा हर बिजनेस में 194C एप्लीकेबल जरूर होता है, क्योंकि हर बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट जरूर होता है किसी ना किसी से। तो सेक्शन नंबर 194C से क्या याद रखोगे? कॉन्ट्रैक्ट, पेयर इंपॉर्टेंट कैटेगरी, पे ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी। TDS का रेट सर यहाँ पर अलग है, इंडिविजुअल HUF है तो 1% और अदर है तो 2%। बेटा माइनस नहीं लिखा है वो माइनस नहीं है, और थोड़ा दिमाग से सोच के -1% कैसे डिडक्ट करेगा तू।
अब बच्चे सब लोग प्लीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच समझ के आंसर करना थोड़ा। यहाँ पर बेटा पेयर में फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपके सामने पेयर है एपीटी और पेई कौन है मिस्टर माज, अपने एग्जाम्पल में ऐसे ही होता था। अरे सेक्शन कोई और था, मैं आज आपके सामने 190 को सी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पेयर कौन है बेटा एपीटी, पेई कौन है मिस्टर माज, आपको पता है 1% 2% दो टीडीएस के रेट है, एक है 1% दूसरा क्या है 2%। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप एपीटी को देखोगे तो कंपनी है, आप मिस्टर माज को देखोगे तो इंडिविजुअल है, तो 1% 2% पेयर पे डिपेंड करेगा, पेई पे डिपेंड करेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इट विल डिपेंड अपॉन पेई, आप जिसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो वो कौन है, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% और अगर वो अदर है तो कितना परसेंट, 2%। लॉजिकल है। यहाँ पर बेटा रिलैक्सेशन सरकार ने एपीटी को नहीं दी है, रिलैक्सेशन सरकार ने इंडिविजुअल एचयूएफ पेई को दी है जिनका टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है। तो सब लोग ध्यान रखना बेटा, इस सेक्शन में बहुत सारी चीजें बतानी है और मैं आपको बता दूं बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन है, ईमानदारी से अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं करा है आपके सामने। ये अभी तो पांच चीजें आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो चीज बताएगी जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। पेयर पे ही आपको ऑलरेडी पता है 1% 2% मैंने आपको टीडीएस का रेट बताया। बेटा यहाँ पर लिमिट है और ध्यान से समझना बेटा, लिमिट बहुत खतरनाक है और थोड़ी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ समझाने से पहले। बेटा यहाँ पर लिमिट है और लिमिट है आपकी 1,00,000 की। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि इससे पहले के सेक्शंस में भी लिमिट थी, याद करिए 194B में लिमिट थी 10,000, 194BB में भी लिमिट थी 10,000। अच्छा 194A की अगर बात करूं तो लिमिट थी 40,000 50,000, अगर वो सीनियर है तो 50,000 और अगर वो नॉर्मल है तो बेटा 40,000 बैंकिंग केस में, और नॉर्मल केस में कितनी लिमिट थी 5,000। याद है आपको, मतलब हर सेक्शन में कहीं ना कहीं आपने लिमिट देखी, जैसे कि बेटा आपने 192A एक्युमुलेटेड बैलेंस ईपीएफ में भी लिमिट तो देखी थी 50,000 की। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिमिट भी अलग है, हर इस सेक्शन की हर चीज समझने वाली है। यहाँ पर लिमिट भी बेटा एक नहीं है, लिमिट दो है। पहली लिमिट क्या बोला और समझ लेना अच्छे से, अगर आज नहीं समझा तो कभी नहीं आएगी समझ। ये बात है, सरकार ने आपसे बोला कि आपकी लिमिट है बेटा 1,00,000 रुपए की, मतलब ये 1,00,000 रुपए के सामने कुछ भी नहीं लिखा है। आप मुझे बता दो आज तक का आपका इनकम टैक्स का ऑब्जर्वेशन क्या है, ये लिमिट क्या है, हाँ बता दीजिए आज तक का आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। लिमिट साल भर की है, डेली है, मंथली है, ईयरली है, आपको पता है मैंने आपको कभी बताया था। और बेटा मैं जो भी बात आपको बताता हूँ ना, मैंने आपको कभी ना कभी बताया था कि जब भी आपको लिमिट नहीं बताया जाए, इनकम टैक्स का रिटर्न ईयरली फाइल होता है तो लिमिट भी ईयरली होती है जब तक अनलेस उसको अदरवाइज ना बताया जाए। तो ये 1,00,000 रुपए पर एनम की लिमिट है, मतलब पर प्रीवियस ईयर आपका ट्रांजेक्शन कितना तक है 1,00,000 तक, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। चलिए एक आपके सामने एग्जांपल, एपीटी ने बेटा मिस्टर मास के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 10,000 के, मान लीजिए बहुत सारे पेमेंट कर चुके हैं साल भर में, लेकिन टोटल 90,000 हुआ, क्या एपीटी को मिस्टर मास का टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है? नहीं। रीजन सर, रीजन है 1,00,000 की लिमिट। बेटा लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिमिट में एक और चीज खास है, और लिमिट में एक और चीज खास ये कि लिमिट पता है 1,00,000 रुपए साल भर की और 30,000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट की भी लिमिट है। इन दोनों में से कोई भी लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दी तो टीडीएस आपका होकर रहेगा। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एपीटी का वापस से ट्रांजेक्शन हुआ बेटा मिस्टर मास के साथ, आपके सामने बेटा ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें मैं आपको लिख के कैसेज बना के दूंगा और आपको प्रैक्टिकली समझना है उन सब चीजों को, ठीक है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए बेटा, क्योंकि ये सही में काम की इसलिए आपको चीजें बताऊंगा। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं बेटा, अपन एग्जांपल लेते हैं एपीटी का कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर सी के साथ, ठीक है। एपीटी और मिस्टर सी का कॉन्ट्रैक्ट है और बेटा साल भर का जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, साल भर के 10,000 10,000 10,000 के से टोटल 9 हो गए, तो टोटल कितना हो गया 90,000। आप मुझे बताइए टीडीएस की जरूरत है या नहीं है? सर टीडीएस अंडर सेक्शन 194C इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, यस और नो? यस। ये सबसे सिंपल केस है आपके सामने। दूसरा केस आपके सामने ले रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर टू। अच्छा एग्जाम्पल कंटिन्यू रहा है, ट्रांजेक्शन बस थोड़े से चेंज करूंगा। इस बार पता है पहला ट्रांजेक्शन हुआ 25,000, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा आप मुझे बताओ फर्स्ट ट्रांजेक्शन 25,000 टीडीएस की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। अच्छा सेकंड ट्रांजेक्शन, सभी बच्चे ध्यान देना यार, सेकंड ट्रांजेक्शन हुआ बेटा आपका 35,000 रुपए का, साल भर की लिमिट माना 1,00,000 है, लेकिन क्या इंडिविजुअल 30,000 की लिमिट क्रॉस हो चुकी है इस ट्रांजेक्शन में? यस। तो क्या इस पे टीडीएस करना पड़ेगा? यस। अच्छा मिस्टर सी इंडिविजुअल है तो कितना परसेंट? 1। कितना? 350। पहले वाले ट्रांजेक्शन में टीडीएस था या नहीं था? नहीं। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हंसी मजाक वाले एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, अभी बढ़ता चले जाएगा। ये पहला ट्रांजेक्शन 25,000 का, टीडीएस की जरूरत नहीं है। दूसरा ट्रांजेक्शन 35,000 रुपए का,
क्योंकि 30,000 बेटा 1,00,000 की साल भर की लिमिट है, लेकिन इंडिविजुअल लिमिट कितनी है 30,000। क्या क्रॉस कर चुकी है? यस। तो क्या टीडीएस करना पड़ेगा? यस। अब ध्यान से सुनिए, तीसरा ट्रांजेक्शन अगेन 20,000 रुपए का, बताओ टीडीएस की जरूरत है या नहीं है? टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड। बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा, अपन इसको बहुत एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरा ट्रांजेक्शन आपका 20,000 रुपए का, क्या आपकी लिमिट क्रॉस हुई? नहीं। आप मुझे बताइए ना, क्या यहां से लेके यहां तक का 1,00,000 क्रॉस हुआ? चेक करके बताइए। नहीं। और क्या इंडिविजुअली 30,000 हुआ? नहीं। तो क्या टीडीएस की जरूरत है? नहीं। अभी तक का टोटल बताएंगे मुझे कितना हो रहा है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, एक सेकेंड, 30 भी नहीं कर रहा हूं, फोर्थ ट्रांजेक्शन 25,000। चलिए अब बताइए, एक सेकेंड, इंडिविजुअल लिमिट क्रॉस करी है, साल भर की लिमिट क्रॉस हो गई है? साल भर की लिमिट क्रॉस हो गई, कितनी हो गई बेटा? कितनी हो चुकी है? 1,05,000। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से फोकस के साथ सुन लेना बेटा, आज आज मैं हूं आपके सामने, है ना, आज मैं आपके सामने हूं, उस टाइम पे नहीं होगा, इसलिए प्लीज जितने एग्जांपल आपके सामने बना के दूं, फोकस के साथ समझिएगा, इस मतलब इसमें हर चीज काम की होने वाली है आपके। 1,05,000 रुपए का टोटल अमाउंट हो चुका है, जिसपे 1% का टीडीएस आना चाहिए, यस और नो? वन परसेंट मतलब कितना? 1,050। क्या इसमें से ऑलरेडी कुछ टीडीएस हो चुका है? कितना? 350। तो आज कितना करोगे? आपको पता है ये कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। आपने ऐसा पढ़ा था, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। कब डिडक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले ट्रांजेक्शन में डिडक्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन क्रॉस हो गया, तो उसी टाइम पे उसको टीडीएस क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड ट्रांजेक्शन फिर बच गया, लेकिन फोर्थ ट्रांजेक्शन आते आते क्या हो गया बेटा? उसकी साल भर की लिमिट क्रॉस हो गई, करना पड़ेगा क्या? यस। कितने अमाउंट पे? पूरे। कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा बेटा? पूरे अमाउंट पे। अच्छा, क्या उसमें से किसी अमाउंट पे ऑलरेडी हो चुका है? यस। उतना मत करना, बचा हुआ अमाउंट आप कर लोगे इस वाले पेमेंट से, समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, फोर्थ वाले पेमेंट पे, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन पे पूरे 25,000 आप पेमेंट करोगे, 25,000 में से कुछ टीडीएस माइनस करोगे? सर 25,000 में 700 रुपए माइनस करेंगे, 24,300 रुपए। किस किस को बात क्लियर है अभी तक? अभी तक मैंने, हाँ एक बार हाथ नीचे कर लीजिए, आप इधर ध्यान से सुनिए, सेक्शन 194C में ध्यान से सुनिएगा, काम काम की चीजें बताइए अभी तक। सेक्शन 194C से आप क्या याद रखोगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। पेयर कौन? इंपॉर्टेंट कैटेगरी। पेई कौन? इंपॉर्टेंट कैटेगरी, वो आपको पता है ऑलरेडी। टीडीएस का रेट बेटा, अगर सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% और नॉर्मल है तो 2%। आप मुझे बताइए ना, यहाँ पर मिस्टर सी की जगह अगर बेटा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड होती तो सर फिर यहाँ 1% नहीं करते हुए आप कितना करते? 2%। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, लिमिट एक है या लिमिट भी दो है यहाँ पर? सर 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट है और साल भर की लिमिट 1,00,000। जो भी क्रॉस हो जाएगी आपको टीडीएस करना पड़ेगा, क्या आपको ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइएगा, अगर बेटा ये इंडिविजुअल वाला फोर ट्रांजेक्शन नहीं होता यहाँ पर, तो बताओ क्या 1,00,000 क्रॉस हुआ? नहीं। मतलब अगर सिर्फ ये तीन ट्रांजेक्शन होते तो 1,00,000 क्रॉस हुआ या रह गया ये अभी? तो पूरे अमाउंट पे करोगे या जो ट्रांजेक्शन 30 क्रॉस करेगा उसी पे करोगे? पक्का क्लियर है? 25-25-25 की तीन कॉन्ट्रैक्ट बेटा, 25,000 की तीन कॉन्ट्रैक्ट, बताओ टीडीएस करना है या नहीं करना? पक्का? चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी बेटा ये स्टार्ट ही हुआ है सेक्शन, अभी सबसे सिंपल चीज है इसमें हमने देखी, आप कुछ मेरे साथ देखिएगा चीजें बेटा, फोकस आपका इंक्रीज हो जाना चाहिए, सेक्शन आपके लिए समझने का बहुत जरूरी है। इधर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट मैं आपको पढ़वाऊंगा, पहले सिर्फ इधर पॉइंट पढ़वाऊंगा, जो पढ़वाऊं सिर्फ उसी पे ध्यान देना आप लोग। लिखा है नो टीडीएस इफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू 30,000, ठीक है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ये। लिखा है और एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रीवियस ईयर इज अप टू 1,00,000। अब बेटा इसके बाद वाला पॉइंट देखना, थोड़ा सा आपको ऑलरेडी पता है, आपको क्लिक करना चाहिए हो। लिखा है नो टीडीएस इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ। याद करिए वो दिन मैंने आपको बताया था, टीडीएस कमर्शियल और पर्सनल दोनों पर्पस पे किया जाएगा, विद दो एक्सेप्शन 194C एंड 194J। देखिए साफ मना करा है यहां पर,
सेक्शन 194 सी के अंदर क्या बोला है बेटा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए होगा, किसके लिए, इंडिविजुअल एटीएफ, तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें बेटा, ये जो पांच स्पेशल पॉइंट वहां पढ़ाए थे ना, वो बेटा आपको पूरे टीडीएस में एप्लीकेबल होगा और वो आपको याद रखना ही है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सिर्फ समझने वाला है, रीडिंग करने वाला है, याद मत करना, स्टार्ट कर देना। लिखा है फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इंक्लूड, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर सी 194 सी में पता है टीडीएस आपका होने वाला था कॉन्ट्रैक्ट पे। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का हो सकता है, एक एग्जांपल आपके सामने दूंगा, एक एग्जांपल आपके सामने दूंगा बेटा। मैंने एक बस वाले को हायर करा और उससे बोला कि मेरे एम्प्लॉइज को आप लेकर आना और उनको छोड़ना, क्या वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है? यस। मुझे ऑफिस में पार्टी देनी थी, मैंने एक कैटरर को हायर करा, क्या वो भी मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है? यस। समझिए मेरी बात, क्या मैंने किसी से एडवर्टीजमेंट करवाया, वो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है? यस बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है, कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट होगा 194 सी लग जाएगा आपका, 194 सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सिर्फ आपके सामने कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिए हुए हैं। देखिए क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इंक्लूड, मतलब ये यहाँ पर लिखना चाहे कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या। देखिए क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, कैटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स, पैसेंजर अदर देन रेलवे। और भी देखिए नीचे क्या लिखा है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। अगर आप बेटा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि कोई गुड्स मुझे बना के प्रोवाइड करिए स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपका क्या है यार, एक कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी के पास से जाकर रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हो, दैट इज नॉट योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप उससे बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा कोई गुड्स बनाओ मेरे लिए, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा सब लोग, आपको पता है आपने एक सेक्शन पढ़ा था, हॉस्टल खड़े हो जाइए बेटा, हॉस्टल खड़े हो जाओ। चलिए एक सेक्शन बेटा अपन ने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 44A, कौन सा सेक्शन था बेटा? ध्यान से सुनना, अब अपन उस जगह पे आ चुके हैं जहां पर इनकम टैक्स कहीं से भी कहीं भी लिंक होगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रेजम्प्टिव, वेरी गुड, बैठ जाइए। हाँ, 44A के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था ओजस्वी? हाँ नहीं, मैं ओजस्वी से ही पूछ रहा हूँ, वहां पर गाड़ी कितने टाइप की होती थी? दो टाइप की, हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल। अच्छा, हैवी मोटर व्हीकल में इनकम कितनी डिक्लेयर करनी थी? 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, याद है आपको? अच्छा, लाइट मोटर व्हीकल में 7500 पर मंथ पर व्हीकल। मुझे एक चीज बताइए बेटा, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन हर किसी को मिलते थे या सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर को मिलते थे? तो बेटा अगर मैं बात करूं 4480 जहां पर 8% 6% था, तो वहां पर लिमिट थी 2 करोड़। अगर मैं बात करूं 4480 है, तो लिमिट थी 50 लाख, 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना था, लिमिट कितनी थी? 50 लाख। अगर मैं बात करूं 44AE की, 10 गाड़ी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अब ध्यान दीजिएगा सब लोग बेटा, वहां पर आपको याद होगा 44AE में अगर आपके पास 10 गाड़ी से कम है तो ही आप क्या ले पाते थे, 44AE। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पर्सन के साथ है जिसके पास 10 गाड़ी से कम है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास बेटा 10 गाड़ी से कम है, तो उसको यहां पर भी रिलैक्सेशन है कि उसको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। वापस से ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बातें आपको कर रहा हूं, आपको भले ही मजाक मस्ती लग रही होगी, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे और नहीं बनेंगे आपसे, ये सेम चीजें एज इट इज, जो मैं आपसे बोल रहा हूं एज इट इज, आपके सामने दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे और आपसे नहीं बनने वाले हैं बहुत सारे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो बेटा 30,000 की लिमिट है, 1,00,000 की लिमिट है, पहली चीज। कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे इलस्ट्रेटिव लिस्ट देके जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको काम की चीज बताई, क्या बताई? अगर सामने वाले का आपके साथ, आपका और मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, और सामने वाले के पास कितनी गाड़ी तक है, 10 गाड़ी तक, तो आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे बेटा, एक स्मॉल टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन है, 44AE भी तो रिलैक्सेशन ही था कि बुक्स मत मेंटेन कर, 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स मत पे कर, 1 ही इंस्टॉलमेंट में पे कर और इनकम भी फिक्स डिक्लेयर कर दे, यस और नो? यस सर। उसी तरीके से उसके बारे में यहाँ क्या बोला कि अगर वही टैक्स वही वाला ट्रांसपोर्टर है, तो उसके केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए एक बार इस पॉइंट को, मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ बेटा, कोई भी इसको लर्न करने मत बैठ जाना, ये सिर्फ समझने वाला है आपके लिए। चलिए पढ़ लीजिए क्या लिखा है, नो टीडीएस इज पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर and he does not own more than 10 vehicle at any time during previous year and he furnishes declaration. जी बेटा बोलिए। बेटा 44AE से इसका कोई लेना देना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग जो 44AE ले सकते थे उन्हीं के पास ये relaxation है।
बस बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक चीज बहुत काम की है, आपको एक डिक्लेरेशन आप मुझे बताइए ना, किसी से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा आपको थोड़ी पता है उसके पास कितनी गाड़ी है, आपको उससे लिखवा के डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि उसके पास 10 गाड़ी से ज्यादा किसी भी दिन नहीं थी। क्लियर है आपको ये चीज? ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब इसके बाद मुझे बताइए बेटा जॉब वर्क बताएगा आपको, जीएसटी में आपने पढ़ा होगा जॉब वर्क, बताइए क्या होता है जॉब वर्क जल्दी से, अपने हिसाब से अपने गुड्स पे अपने हिसाब से काम कस्टमाइज करवाना किसी थर्ड पार्टी से, इसको बोलते हैं जॉब वर्क। यस और नो? अरे यस और नो। जैसे बेटा एक चीज बताइएगा आप, कल को आपको टेलर के पास जाके बेटा कुछ कपड़े वगैरह सिलवाने, तो क्या आप उसको कपड़ा देते हो? यस। क्या आपके कपड़े पे वो आपके अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेशन करता है? यस, दैट इज जॉब वर्क। उसको क्या बोलते हैं बेटा? जॉब वर्क। अब मुझे आप एक कुछ चीजें आंसर करिएगा बेटा प्रैक्टिकली अपनी समझ के अकॉर्डिंग। बेटा आप मुझे बताओ, जब अपन शर्ट दे के आएंगे टेलर को, तो क्या वो वहां पर बेटा उस शर्ट को उसको सीलना है? शर्ट को बेटा, ये जो शर्ट है आप मुझे बताइए क्या टेलर कुछ अपना मटेरियल भी यूज कर सकता है? क्या अभी कभी भी अपन बटन देते हैं या बटन वो अपनी तरफ से लगाता है? और कभी आप गिट्टी देते हो या वो भी अपनी तरफ से लगाता है? वो ध्यान से सुनिए, कुछ आपसे ट्रांजेक्शन पूछने वाला हूँ और आपको आंसर करना पड़ेगा, बता नहीं रहा हूँ आपको। बेटा आपका किसी के साथ जॉब वर्क है, और मैं आपको बता दूं जॉब वर्क भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और आपका टीडीएस के सेक्शन में होगा 194C, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 30,000 और 1,00,000 रुपए। अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, ये है आपका इनवॉइस और यहाँ पे लिखा है मटीरियल 1,00,000 रुपए और जॉब वर्क चार्जेस 40,000 रुपए। टोटल कितना हो गया ये? 1,40,000। आप मुझे बताओ टीडीएस मटीरियल पे लग रहा है या जॉब वर्क चार्जेस पे लग रहा है? तो टीडीएस किस अमाउंट पे डिडक्ट करवाओगे आप लोग, किस पे करवाओगे? 40,000। ध्यान से सुनना बेटा, टीडीएस सर्विसेज पे लग रहा है, कभी भी टीडीएस गुड्स पे नहीं लग रहा है अभी तक। इसमें सर्विस क्या है? जॉब वर्क चार्जेस। तो टीडीएस किस पे लगेगा? 40,000। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूँ यहीं पर बेटा। मान लीजिए अगर सामने वाले ने जो आपको बिल दिया है उसमें नहीं लिखा कितना मटेरियल है कितना जॉब वर्क है, और टोटल कितना हो रहा है? 1,40,000। आपको पता है सरकार इस बार आपको पनिश करेगी और बोलेगी पूरे 1,40,000 पे टीडीएस 194C में आपको क्या करवाना पड़ेगा? डिडक्ट। क्या आपको बात क्लियर है? इधर ध्यान से सुन लेना बेटा, जॉब वर्क में टीडीएस 194C में होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। किस अमाउंट पे होगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर वैल्यू सेपरेटली मेंशन है तो आप वो सेपरेट वैल्यू पे करोगे, और नहीं ये मेंशन तो आपको पूरे अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा? टीडीएस। आप ये मत समझना कि नहीं मालूम तो सर एक काम करते हैं रहने देते हैं। नहीं बेटा, नहीं मालूम तो पूरे अमाउंट पे आपको क्या करवाना पड़ेगा? टीडीएस। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी। इसके बाद और ये ध्यान दीजिएगा, कुछ आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़े से टेक्निकल होंगे। एक कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी का नाम बताओ, एडवर्टाइजिंग कंपनी का नाम बताओ। चलो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी मैं ले लेता हूं बेटा, दैनिक भास्कर। बेटा है ना एडवर्टाइजिंग कंपनी, आपको क्या लगता है उसका काम न्यूज बेचना है? अगर ऐसा लगता है तो बहुत मासूम हुआ है। इधर ध्यान दो सब लोग बेटा, ये दैनिक भास्कर कंपनी है और एक पर्सन है यहां पर, एक कंपनी है बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज। और एक बीच में एक एजेंट ले लेता हूं, एक किसी एजेंट का नाम बता, दलाल। चलिए बेटा ध्यान से सुनना, अभी थोड़े तकलीफ हो जाएगी आपको, ये एग्जाम में आपके लिए मतलब तकलीफ दे होगा, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, आप एक ही बार में समझ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बेटा यहाँ पर रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैनिक भास्कर से, ये मैंने आपके सामने तीन पार्टी दे दी, जरूरी नहीं है हर केस में हर पार्टी पिक्चर में आए बेटा, इसी तीन के पार्टी के बेस पे बहुत सारे केसेस आपको बना के दूंगा। रिलायंस का डायरेक्टली किससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? दैनिक भास्कर। क्या टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा 194C में? यस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर सीबीडीटी के क्लेरिफिकेशन है, सर्कुलर है और ना जाने क्या क्या है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा।
अगर डायरेक्टली हुआ तो टीडीएस इज एप्लीकेबल। बेटा अगर यहां पर ऐसा हुआ, अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट है एजेंट के साथ, इस पे तो टीडीएस हो जाएगा 194 सी के अंदर, लेकिन बेटा यहां पर एजेंट का भी तो कॉन्ट्रैक्ट है दैनिक भास्कर के साथ। ध्यान से सुन लीजिए, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एडवर्टाइजिंग कंपनी, दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल स्पेसिफिकली फॉर एडवर्टाइजिंग कंपनी। बेटा मेरा अगर डायरेक्टली रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो 194 सी में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मेरा डायरेक्टली नहीं है, मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, एजेंट, तो मेरा और एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 194 सी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन बेटा इस एजेंट का और इस दैनिक भास्कर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा और इस पे 194 सी में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है दो नंबर का, अगर आया तो डायरेक्टली एज इट इज। ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरा किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, और उसका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, एडवर्टाइजर के साथ। तो मेरा जिसके भी साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अभी आपको ट्रिक बता दूंगा याद रखने की, वो बड़ा सिंपल है। पहले बस ध्यान दीजिए आप, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा लेकिन इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी एक रेयर सर्कमस्टेंस में एक ऐसा भी केस हो सकता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा दैनिक भास्कर के साथ, 194 सी इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको पता है कभी कभी दैनिक भास्कर खुद से कमीशन भी पे कर देता है या खुद से बेटा एजेंट को भी पे कर देता है, तो यहां पर अगेन टीडीएस 194 सी के अंदर डिडक्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, याद रखने वाली बात जो आपको याद रखनी है, मैं आपसे क्या बता रहा था बेटा, ट्रिक है इसको याद रखने की, ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। ट्रिक ये है बेटा, जब भी इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप मुझे बताइए मैं कौन हूं, मैं हूं बेटा रिलायंस, मतलब काम कौन करवा रहा है यहां पर, रिलायंस। जब भी रिलायंस पिक्चर में नहीं आएगा बेटा, आपस के इनके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे इसका इसके साथ हो या फिर इसका इसके साथ, कभी भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ऐसा क्लैरिफिकेशन है सीबीडीटी का। ठीक है, चाहे रिलायंस एजेंट का रिलायंस के साथ हो, एजेंट का दैनिक भास्कर के साथ हो, या फिर दैनिक भास्कर का एजेंट के साथ हो, टीडीएस 194 सी में एप्लीकेबल नहीं होगा। 194 सी में हमेशा एक ही बार होगा बेटा, या तो इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में, मतलब इनमें से एक पार्टी कौन होना चाहिए, रिलायंस, तो दूसरी पार्टी कोई भी हो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है कि अगर ये यहां पर हो चुका है 194 सी में, तो फिर यहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है, या फिर यहां पर हो चुका है 194 सी, तो आपको यहां पर 194 सी में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात, एज इट इज ये पॉइंट आने वाला है, और ये पॉइंट आपसे बनेगा नहीं इजीली, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये ट्रिक आपको ध्यान नहीं रही। आप ध्यान रख लेना बेटा, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और एडवर्टाइजर का आपस के कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी 194 सी में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। चलिए और ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक और स्पेशल पॉइंट, एक और थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट, एक काम करिए बेटा, यहां पर जो पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 है, एक बार इनको पढ़ लीजिए, नहीं सिर्फ 7 और 8 को, सिर्फ पॉइंट नंबर 7 और 8 को एक बार रीड कर लीजिए जल्दी से। ये पॉइंट नंबर 7 और 8 आपने पढ़ लिया क्या एक बार बेटा, ये वही पॉइंट है जो अपन बात कर रहे थे अभी, वो मिस्टर मास मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, मिस्टर मास एजेंट और वो अपना दैनिक भास्कर। अब पॉइंट नंबर 9 के बारे में एक बार पढ़ने से पहले एक बार इसको, चलो इसको देख ही लेते हैं। चलिए अब एक काम करिएगा, एक और पॉइंट बेटा, इस पे भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा एक बार, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर अपन इसको थोड़ा सा याद करने के हिसाब से देखेंगे क्या है। ठीक है, पेमेंट मेड बाय टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर टू प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन हाउस मतलब आप समझ गए होंगे वो लोग जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या लिखा है बेटा, पेमेंट मेड बाय टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट प्रोग्राम, आप समझ रहे होंगे किससे रिलेटेड बातें हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात ये लिखा है, इफ प्रोग्राम इज एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर एंड कॉपीराइट ऑफ कंटेंट इज आल्सो ट्रांसफर टू टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर। प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग, आप मुझे बताइए क्या रामायण ऑलरेडी थी, वो रामानंद सागर नाम है ना, क्या ऑलरेडी रामायण थी? यस, मेरा उनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ कि यार मुझे उस रामायण को टेलीकास्ट करवाना है, क्या ऑलरेडी बना बनाया प्रोग्राम में टेलीकास्ट करवा रहा हूँ? यस, नया नहीं है वो, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लिखा है कि अगर कुछ नया बनाया जाता है, कुछ आपके कहने पे नया बनाया जाता है और बेटा वहां पर आपको कॉपीराइट भी अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में टीडीएस 194 सी में एप्लीकेबल होगा। एग्जिस्टिंग कंटेंट के केस में 194 सी विल नॉट बी एप्लीकेबल। ध्यान से सुन लीजिए, अभी एक मूवी आई है सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो एक न्यू स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट है? यस, अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो टीडीएस 194 सी में एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन कल को बेटा एपीटी ने अगर वो उसको टेलीकास्ट करने का कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा पुरानी वाली रामायण का, बनी बनाई रामायण जो थी, तो क्या 194 सी आएगा? नहीं, ऐसा लिखा है आपके सामने और इस पे क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। देखिए क्या लिखा है,
लिखा है बेटा इफ प्रोग्राम इज एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ टेलीकास्टर, मतलब आपके कहने पे आप बनवा रहे हो उसको या आप उसको रिक्वायरमेंट दे रहे हो ऐसा 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 होना चाहिए। एंड कॉपीराइट ऑफ कंटेंट इज ऑल्सो ट्रांसफर, बेटा वो बनने के बाद आपका ही हो जाएगा, कॉपीराइट मतलब समझते ना आप ही इसको यूज करोगे, तो उस केस में आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना गया है और 194 सी में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। और इधर ध्यान दीजिएगा सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है आपके सामने, लिखा है इफ राइट ऑफ कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस, ऑलरेडी बना बनाया कंटेंट उसका सिर्फ आपको राइट दे दिया गया, कोई कॉपीराइट नहीं, कोई पेटेंट नहीं, सिर्फ क्या दे दिया राइट, कंटेंट भी बना बनाया क्या दे दिया है बेटा राइट, तो लिखा है नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 सी। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली वो बोलेगा कि एक कंटेंट बनवाया जा रहा है, स्पेसिफिकली बनवाया जा रहा है, कॉपीराइट भी ट्रांसफर हो रहा है, टीडीएस होगा या नहीं होगा तो आपको बताना पड़ेगा, 194 सी में उसमें टीडीएस आपको करवाना पड़ेगा। तो याद क्या रखोगे सर, न्यू कंटेंट, न्यू स्पेसिफिक कंटेंट प्लस कॉपीराइट, न्यू स्पेसिफिक कंटेंट प्लस कॉपीराइट टीडीएस एप्लीकेबल होगा, और अगर बेटा न्यू नहीं है एग्जिस्टिंग कंटेंट है या फिर कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। एक काम करिएगा बेटा 194 सी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194 सी, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194 सी, और ये जो बारीकी अपन पढ़ रहे हैं ना ये बारीकी हर प्रैक्टिकल केस में आपके सामने आती है, मतलब आप जब कभी ऑडिट कर रहे होगे किसी का भी, अभी तो पढ़ रहे हैं अपन, अभी तो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ये हर बारीकी आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में टीडीएस की बहुत काम की है। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे अपन, 194 सी, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, पेयर कौन था इंपॉर्टेंट कैटेगरी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी पेयर सर, इंडिविजुअल एचपीएफ से वही वाले कवर होंगे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा था। अच्छा अदर के केस में देखने की जरूरत है, अदर तो सभी कवर हो जाएंगे यहाँ पर, सभी हो जाएंगे, ये बात क्लियर है आपको। अच्छा टीजीएस का 1 रेट है या 2 रेट है सर, 2 रेट, 194 सी में इंडिविजुअल एचपीएफ है तो 1%, अदर है तो 2%। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अपन ने टीडीएस का जो बेसिक एग्जांपल लिया था एपीटी और मिस्टर मास, 1% 2% देखने के लिए आपको एपीटी को नहीं देखना, आपको किसको देखना है बेटा मिस्टर मास, ये बात क्लियर है आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा लिमिट कितनी है यहाँ पर, 1 लाख पर एनम, लेकिन क्या सिर्फ 1 लाख पर एनम की लिमिट है, नहीं सर 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज्यादा टाइम तो वो इस लिमिट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा टाइम पर, तो 1 लाख की लिमिट है साल भर की और 30,000 की लिमिट है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की, सर दोनों में से जो भी क्रॉस हो गया ना टीडीएस करना पड़ेगा। और आपको पता है याद रखने वाली बात, अगर 1 लाख क्रॉस हो गया तो एंटायर अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ बारीक एग्जांपल, वापस एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है एज इट इज, ध्यान दीजिएगा आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट है बेटा 20,000 और दूसरा भी कितने का है 20,000, तीसरा भी कितने का है 20,000, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में वो आपको सेम फिगर देगा, वो कभी बोलेगा 20, कभी बोलेगा 15, कभी बोलेगा 25, वो कुछ भी बोले आपका दिमाग बराबर चलेगा तो आंसर करेक्ट आएगा। तो पहला दूसरा तीसरा 20,000, चौथा भी है बेटा 20,000 और पांचवा कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ गया है 25,000, टोटल देखिए कितना हो चुका है 1,05,000, 1,05,000 का 1% मतलब कितना 1,050, आपको पता है 1,050 रुपए डिडक्ट करके उसे आखिरी वाली पेमेंट करनी पड़ेगी, ये बात क्लियर है आपको। चलिए अब कुछ बारीकियां जो 194 सी के अंदर आपने देखी, सबसे पहली चीज तो लिमिट साल भर की कितनी 1 लाख और इंडिविजुअल पर कॉन्ट्रैक्ट लिमिट कितनी 30,000। और बेटा आगे आपके सामने बहुत सारी चीजें लिखी है, पढ़ना मत, बहुत सारी चीजें लिखी है यार ये सब कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको बताऊं बेटा वहां तो 4 चीजें लिखी है, दुनिया में हजारों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप समझिए मेरी बात, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे 194 सी लग सकता है। लिमिट कितनी है साल भर की 1 लाख, इंडिविजुअल लिमिट कितनी है 30,000, समझ रहे हैं क्या आप लोग। एक क्वेश्चन आपके सामने, एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, केस बना के पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर करिएगा। बेटा मेरे घर की मुझे पेंटिंग करवानी थी, मैंने एक कॉन्ट्रेक्टर को हायर करा, आपको पता है ना वो पेंटिंग करने वाला भी तो कॉन्ट्रेक्टर ही होता है, या फिर मुझे अपने घर को कुछ करवाना था काम, मैंने एक कॉन्ट्रेक्टर हायर करा, क्या 194 सी लगने वाला है? ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको बताया था टीडीएस कमर्शियल और पर्सनल पर्पज दोनों पे किया जाता है, लेकिन 194 सी और 194 जे में ऐसा नहीं है, और मैं अभी ये बात कर रहा हूँ बेटा मेरे घर पर, समझ रहे हैं, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए मैं कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा हूँ, टीडीएस 194 सी के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या ये बात आपको क्लियर है? Yes, चलिए आप मुझे बताइए बेटा जॉब वर्क के केस में आपको क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना, बातें सिंपल है, बस एक बार आपने समझ लिए। सर अगर अमाउंट सेपरेटली मेंशन है तो सिर्फ सेपरेट अमाउंट पे ही क्या करवा देंगे टीडीएस, व्हाट इफ अमाउंट सेपरेटली मेंशन नहीं है सर, उस केस में सरकार बोलती है मजबूरी में पूरे अमाउंट पे आपको क्या करना पड़ेगा टीडीएस। अच्छा कंटेंट से रिलेटेड जो आपको याद रखने लायक बात, कंटेंट अगर बेटा न्यू कंटेंट है, स्पेसिफिक कंटेंट है, कॉपीराइट भी है तो 194 सी में टीडीएस किया जाएगा,
अरे यस और नो? यस सर। बेटा अगर टीडीएस, ध्यान से सुनना, अगर कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस कंटेंट है और ऐसे ही बस आपको राइट वगैरह दे दिया तो टीडीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। पक्का? यस सर। आपको पता है आजकल पता है क्या हो रहा है, आजकल मूवियां पहले थिएटर में रिलीज होती है, उसके बाद बेटा वो नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी रिलीज होती है। क्या वो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी प्रोड्यूस कंटेंट खरीद रहे हैं? यस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर न्यू स्पेसिफिक कंटेंट है और कॉपीराइट भी ट्रांसफर हो रहा है तो 194C विल बी एप्लीकेबल। और बेटा अगर एग्जिस्टिंग कंटेंट है, सिर्फ राइट दे रहे हैं व्यू करना मतलब दिखाने का, तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। क्लियर है आपको ये चीज? आप मुझे एक चीज बताइएगा, क्या एडवर्टीजमेंट, आपके सामने बहुत सारी चीजें ले रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट टीडीएस लगेगा या नहीं 194C? सोच समझ के आंसर करना, बहुत सारे केसेस आपके सामने बना रहा हूँ बेटा, सीए इंटर सीए फाइनल सब मिला के बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत काम का टॉपिक है आपका टीडीएस टीसीएस। आपका इधर ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपसे क्या बोल रहा था, कौन सा पॉइंट पूछ रहा था आपसे? एडवर्टीजमेंट। आप मुझे बताइए बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करवाया, शाहरुख खान ने यहीं पर आके डांस करा के मास्टर बहुत अच्छा टैक्स पढ़ाते हैं, एडवर्टीजमेंट कराया 50,000 रुपए का शाहरुख खान को पेमेंट कराया, क्या टीडीएस लगेगा? यस सर टीडीएस लगेगा 194C। अरे यस और नो? यस सर। समझ रहे हैं ना बेटा, वो आईपीएल वगैरह होता है, ऊला ला ला ले ओ, टीडीएस लगेगा क्या 194C में? यस। क्या आपको बात क्लियर है? एक बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताया नहीं है आपसे, पूछ रहा हूँ। चलिए काम करता हूँ, अभी नहीं पूछ रहा हूँ, बाद में ही आगे पूछूंगा 194I पढ़ाने के बाद। अब मैं आपको बेटा, अभी तक मैंने आपको कुछ बारीक पॉइंट बताए नहीं थे, मैं आपको एक बारीक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। बेटा इधर सब लोग प्लीज फोकस कर लेना, लिखा है नो टीडीएस इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000 और ब्रैकेट में लिखा है आपके सामने खतरा। बेटा इसका मतलब एक बार समझ लेना, बाकी सभी जगह पे नहीं लिखा ऐसा, कहीं कहीं ऐसा लिखा है, और जहां ऐसा लिखा है इसका मतलब ये है कि बेटा अगर 50,000 एग्जैक्टली भी है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बाकी जगह पे 50,000 की लिमिट है तो 50,000 तक अलाउड है, 50,000 ₹1 से टीडीएस एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर लिखा है खतरा तो आप समझ जाना बेटा एग्जैक्टली 50,000 में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? आपको मैं बता दूं, ज्यादातर सेक्शंस में ऊपर एक्सेस अमाउंट की वजह से होगा, मतलब अगर लिखा है 30,000 की लिमिट है तो 30,000 नहीं 30,001। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ दो तीन चार जगह ऐसी हो सकती है जहां पर लिमिट उल्टी दी हुई है, जैसे यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, नो टीडीएस इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000। अगर 50,000 से कम है, मतलब पता है क्या बोलना चाह रहा है, अगर 4999 तक है तो टीडीएस की जरूरत नहीं है, लेकिन 50,000 या उससे ज्यादा है तो टीडीएस करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? हर जगह नहीं बेटा, जहां खतरा लिखा है वहां ऐसा होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन था 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, सेक्शन नंबर 193 कौन सा सेक्शन है बेटा? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब सब लोग समझते हैं आप, पेयर एनी पर्सन पेई रेसिडेंट पर्सन, टीडीएस का रेट कितना है 10%। बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे, जैसे कि डीमैट सिक्योरिटी, लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटीज के केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था बेटा अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? यस सर। तो बेटा अगर कभी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो LIC GIC को तो भी आपको, मतलब वो बड़े बड़े लोगों को अगर कर रहे हो तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बारीक पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी, अगर बॉन्ड के सामने लिखा है टैक्सेबल बॉन्ड, क्या टीडीएस करना पड़ेगा? यस। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा 193 के बाद बेटा सेक्शन था 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का पहला सेक्शन, प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, सेक्शन नंबर 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। अच्छा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन है, मतलब पेयर पेई में, ध्यान से सुनिएगा, पेयर में बेटा खास लोग आएंगे, इंडिविजुअल एचएफ हर कोई कवर नहीं होगा, सिर्फ कौन से वाले कवर होंगे जिनका टर्नओवर 1,50,00,000 से ज्यादा हो। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा पेई में कौन आने वाला है बेटा? रेसिडेंट पर्सन। और ध्यान से सुन लेना, सभी इंपॉर्टेंट कैटेगरी सेक्शन में यही पेयर यही पेई आपको याद रखने हैं, ठीक है। पेयर में, इंडिविजुअल में, एचयूएफ में रिलैक्सेशन है, छोटे नहीं आएंगे, बड़े आएंगे, मतलब 1,50,00,000 से ज्यादा वाले। अब मुझे एक चीज बताइएगा, सेक्शन नंबर 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज में रेट ऑफ टीडीएस कितना है आपका? 10%। अभी तक पता है, अभी तक जितने सेक्शन पढ़े ज्यादातर में 10% ही तो है, 192A 10%, 193 10%, 194A भी 10%। अरे यस और नो? यस सर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर लिमिट है 40,000 और 50,000, आपको पता है बैंकिंग के केस में लिमिट है 40,000 और 50,000,
प्लीज फोकस के साथ सुन लीजिएगा। 40,000 की लिमिट है आपकी अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो, 50,000 की लिमिट है इफ यू आर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, यस और नो? यस सर। अच्छा बैंकिंग में लिमिट है 40,000-50,000, आपको पता है अगर नॉर्मल केस में अपन के बीच में अगर इंटरेस्ट होगा तो लिमिट है 5,000। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है आपको ये बात? अपन एक चीज बनाइएगा बेटा, 40,000 और 50,000 की लिमिट पर ब्रांच है या पर बैंक है? सर क्योंकि सीबीएस सिस्टम एक और बैंकिंग सिस्टम, मतलब कैसे देखना पड़ेगा इसको, पर बैंक। अगर एक ब्रांच में 25 और दूसरी ब्रांच में 30 मिले, मतलब टोटल कितने हैं 55,000 टीडीएस 194A के अंदर आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, कुछ केसेस में आपको टीडीएस 194A में डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट, जैसे कि बेटा पार्टनर को अगर पार्टनरशिप हमसे इंटरेस्ट मिला तो भी इसको टीडीएस 194A में करने की जरूरत नहीं है। क्या ये भी क्लियर है आपको? अरे यस और नो? ध्यान से सुनना बेटा, ये सब चीजें आपको पढ़ना नहीं है, याद नहीं रखना है। इसलिए अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने के बाद आपको, ताकि आप रीड करो तो आपको क्लियर रहे, बोलने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। सेविंग बैंक अकाउंट पे 194A में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप हम अगर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये भी क्लियर है? अच्छा अगर इनकम टैक्स के रिफंड पे इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक पॉइंट मैं आपके सामने एक दिखाना चाहता हूं, और बेटा वो पॉइंट ये है, जीरो कूपन बॉन्ड तो ठीक है उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। एक पॉइंट तो ये है कि अगर आप किसी बैंक LIC UTI या फिर इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट पे करते हो तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कहीं भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं लिखा है। मतलब अगर आप इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो आपको 194A हिट करेगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अगर आप बैंक को, आपको पता है ज्यादातर लोग, अपन लोग बैंक से लोन लेते हैं, अरे बहुत सारे लोग बैंक से लोन लेते हैं और बदले में क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। सेक्शन 194A लग सकता था लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है उसमें मना करा है कि आपको बैंक का टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? चलिए अब मेरी बात एक और चीज ध्यान से सुनना, एक चीज है जो मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं थी, एक बार सिर्फ आपको रीड करवा रहा हूँ बेटा। एक कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम है आपके लिए काम की नहीं, एक बार सिर्फ रीड करवा रहा हूँ। इन स्कीम पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो बेटा, इन स्कीम को सरकार प्रमोट करना चाहती है तो इस पे भी आपको टीडीएस नहीं कर होगा। किसान विकास पत्र, ये इंडिया नहीं इंदिरा है, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीओ मंथली इनकम, पीओ रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस। तो ये पीओ की कुछ स्कीम है, आपको याद नहीं रखनी है एज इट इज, आप सिर्फ रीड ही करेंगे बस, ठीक है। किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र एसेट्रा, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, इन केस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। क्या आपको ये बात भी, मतलब ये बात बस ध्यान रखना आप। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ू, सेक्शन नंबर 194B, बी से आपको क्या रखना था बेटा, बड़े लोग, बड़े लोग मतलब वो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, KBC एसेट्रा, यस और नो? यस सर। पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, टीडीएस का रेट है 30%। टीडीएस का रेट कितना है बेटा? 30%, और लिमिट पता है कितनी है? 10,000। अच्छा 194B के बाद अगर मैं बात करूं, 194B भी बहुत बड़े लोग, पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, टीडीएस का रेट 30%, लिमिट है 10,000, और बड़े लोग, बहुत बड़े लोग पैसा कहां लगाते हैं? हॉर्स रेसेस। ये बात क्लियर है आपको? बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर लॉटरी में आपने कार जीती है तो मैंने आपको बताया था, कार जब तक रिलीज नहीं की जाएगी जब तक सामने वाला उतना अमाउंट जमा ना कर दे, ये भी क्लियर है आपको? इसके बाद पता है, इसके बाद हमने आज एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 194C, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कंपाइल करना है, अभी अपन इसको कंपाइल नहीं किया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 194C, 194C से आपको क्या याद रखना है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के कितने सेक्शन पढ़ चुके हो? दो, पहला 194A था और अभी कौन सा पढ़ा है? 194C। 194C से आप कॉन्ट्रैक्ट याद रख लोगे, और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है तो आपको पेयर पे ही भी याद रह जाएगा। अच्छा टीडीएस का रेट बड़ा सिंपल, इंडिविजुअल एक्चुअल है तो 1% और अदर है तो 2%। अच्छा लिमिट, एक सेकेंड, टीडीएस का रेट एक या दो है? लिमिट भी एक है या दो है? सर साल भर की लिमिट है 1,00,000 और इंडिविजुअल लिमिट है 30,000। ये भी क्लियर है आपको? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, मतलब वही चीज है, अगर बेटा स्पेसिफिक कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है और कॉपीराइट भी ट्रांसफर हो रहा है तो टीडीएस 194C में एप्लीकेबल हो जाएगा, एग्जिस्टिंग कंटेंट के केस में नहीं होगा। ये क्लियर है? यस सर। जॉब वर्क के केस में, जॉब वर्क अगर स्पेसिफिकली अलग से लिखा है तो अलग वाले अमाउंट पे होगा, अलग से नहीं लिखा है तो इंटायर अमाउंट पे होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल दिए हैं, आप उसकी एग्जांपल सिर्फ पढ़ के बस इग्नोर कर दोगे, क्योंकि वो आपको याद बात कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ केसेस आपको मेरे वाले सिर्फ एक बार समझने अच्छे से, बाकी आपको सिर्फ रीडिंग करके ही करना है यहाँ से भी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो सबसे टेक्निकल पॉइंट होगा ना, जो आपको एग्जाम के टाइम पे तकलीफ देगा, वो बेटा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाला होगा।
उसमें आप बस इतनी सी चीज याद रखना कि जब भी उनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेटा मैं बात कर रहा हूँ तीन लोग हैं, एक तो वो पर्सन है जो एडवर्टाइज करवा रहा है, एक वो पर्सन है जो एडवर्टाइज कर रहा है, और तीसरा एजेंट। तो जो एडवर्टाइज कर रहा है और जो एजेंट है, अगर उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है 194C विल नॉट बी एप्लीकेबल। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, आपस के उनके ट्रांजेक्शन में टीडीएस नहीं होगा, ठीक है। सरकार ने उन लोगों को घर की बात माना हुआ है और उसके केस में आपको क्या नहीं होगा, टीडीएस। आपको पता है अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट दैनिक भास्कर से होगा तो भी 194C होगा, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी से होगा तो भी 194C होगा। मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जिससे भी होगा 194C होगा, लेकिन उनके आपस के कॉन्ट्रैक्ट में 194C नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? 30,000 और 1,00,000 की लिमिट में घूमोगे तो नहीं आप लोग? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन आपके सामने आएगा बेटा कि एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट है और ऐसा ट्रांसपोर्टर है जिसने डिक्लेरेशन, जिसके पास 9 गाड़ी है लेकिन सामने वाले ने डिक्लेरेशन नहीं दिया। आपको पता है अगर उसके पास 10 गाड़ी तक है तो उसको लिख के डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर वो दे देगा डिक्लेरेशन तो टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, लेकिन अगर नहीं दिया तो बेटा टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या ये सब बातें आपको क्लियर हैं? चलिए अब एक काम करिए बेटा, 194C क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, अगर कोई पॉइंट में आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन की जरूरत है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछिएगा, 194C आपका बहुत काम का है। आगे के सेक्शन बहुत सिंपल होंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट कैटेगरी के 5 सेक्शन आपके बड़े होने वाले, चीजें सब सिंपल रहने वाली है, सिर्फ 5 सेक्शन बड़े होने वाले, आपको समझना थोड़ा पड़ेगा। अच्छा 194C के अंदर आपने 6th वाला पॉइंट देखा क्या? 194C में आपने 6th वाला पॉइंट देखा या नहीं देखा? क्या लिखा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे 194C लगेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट पे भी कौन सा ही लगेगा? 194C। कोई बोला 8th वाला पॉइंट बता दो बेटा, इधर ध्यान से सुन लो यार, अगर मेरा प्लीज ध्यान से सुन लो, आप लोग पता है वही चीज सेम बार बार पूछे जा रहे हो। इधर देखो, यहां पर ये बेटा एजेंट है और यहां पर एक है एडवर्ट, जो पर्सन एडवर्टीजमेंट करवा रहा है, फॉर एग्जांपल एपीटी है ना, सीए फाउंडेशन का नया बैच लॉन्च करना था तो एपीटी को एडवर्टीजमेंट करवा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एपीटी डायरेक्टली चले गया किसके पास? दैनिक भास्कर। आपसे पूछ रहा हूँ बस, आप लोग आंसर करिएगा, जो आप बता रहे हैं बस वही फाइनल है मेरी तरफ से। एपीटी दैनिक भास्कर 194C एप्लीकेबल, पक्का? यस सर। एपीटी एजेंट, फिर एजेंट दैनिक भास्कर के पास गया, 194C नहीं लगेगा। अच्छा एपीटी गया दैनिक भास्कर, 194C लगेगा। अब ये एजेंट इसके पास आ गया, मतलब दैनिक भास्कर एजेंट के पास आ गया, 194C नहीं लगेगा। समझ रहे मेरी बात? मैंने तो आपको भैया एक सिंपल सी ट्रिक बता दी कि इन दोनों के आपस के ट्रांजेक्शन में टीडीएस नहीं होगा। एजेंट बेटा, एजेंट कोई भी हो सकता है, एजेंट मिस्टर मास भी हो सकता है, एजेंट कोई भी पर्सन जो यार इसको काम लाकर दे रहा है। बेटा एजेंट कौन होगा आप मुझे बता दो यार। सर कोई भी पर्सन जो उनको वर्क लाके देगा एडवर्टीजमेंट का, जिसको वो कमीशन पे करते होंगे, वो उनका क्या हो जाएगा यार? एजेंट है ना, कमीशन एजेंट, दलाल। अगर कुछ अच्छे डाउट आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा यार, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सर यहां पर ए का कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ, ठीक है, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है तो 194C लग जाएगा। यस बेटा, बी ने भी उसी काम को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आपको पता है इस केस में भी 194C लग जाएगा, सिर्फ एडवर्टीजमेंट और एजेंसी वाले में रिलैक्सेशन था कुछ, ठीक है। मेरा बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है और बी और सी का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे केस में लग जाएगा और उनके कॉन्ट्रैक्ट में उनके केस में लग जाएगा, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 30,000 और 1,00,000 रुपीज। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए बेटा आप एक काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपन। सेक्शन 194C कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। इधर ध्यान से सुनिए पीछे जल्दी से, 194B कौन सा है? बड़े लोग। BB कौन सा है? बहुत बड़े लोग। 194C कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। 193 कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सेक्शन नंबर याद हो गए? Yes, अंदर का कंटेंट भी ऑलमोस्ट क्लियर है? Yes, सेक्शन आगे बढ़ेंगे, सिंपल सिंपल से सेक्शन आएंगे बेटा, ध्यान से सुनना, फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले सेक्शंस पे करना है, क्योंकि वही सेक्शन बड़ा सा होता है, लमसम सेक्शन वही होता है, बाकी एक एक दो दो लाइन में निपट जाते हैं। तो सेक्शन है 194C के बाद आप बताओ ना कौन सा आना चाहिए? 194D। डी से आपको याद रखना है दलाल। 194D से आप क्या याद रखोगे बेटा? दलाल। ध्यान से सुनिए, हर कोई सा दलाल नहीं, इंश्योरेंस वाला दलाल। प्लीज फोकस करिएगा, क्योंकि आपको पता है इसी सेक्शन के साथ ये जो दो लाइन का सेक्शन है ना, आगे के तीन सेक्शन सेम एज इट इज निपटा दूंगा।
क्योंकि हो सकता है तीन सेक्शन कमीशन के हो सकता है सेम हो, सिर्फ सेक्शन नंबर अलग हो। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, मैंने आपसे क्या बोला 194D, डी से आपको याद रखना है दलाल, और कौन सा वाला दलाल? इंश्योरेंस वाला दलाल। पेयर देखिए क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी। आप मुझे बताइए ना बेटा, कमीशन कौन ही पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी इंश्योरेंस एजेंट को। तो पेयर में क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी। पेई में कौन लिखा है? रेसिडेंट एजेंट। मतलब नॉन रेसिडेंट का टीडीएस 194D में नहीं होगा बेटा, सिर्फ किसका होगा? रेसिडेंट वाले एजेंट का टीडीएस का रेट देखिए आपके सामने क्या लिखा है, 5% और लिमिट कितनी है 15,000। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक काम करिए बेटा, आप खड़े रहिए अनुराग, मुझे ये चीज बताइए, यहाँ पर 15,000 की लिमिट है और एग्जैक्टली 15,000 पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा या नहीं करने की जरूरत है? अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, जो पॉइंट, जो बच्चे इस पॉइंट को गलत कर रहे हैं ना, उनकी गलत होने वाला है उनके साथ, क्योंकि ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और मैंने आपको बताया था हर जगह ऐसा है। और मैं आपको बता दूं, आप यही तो कंफ्यूज हो गए, बारीकियों में तो आपको कंफ्यूजन होने वाली है। हाँ, 15,000 पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बेटा, 99% सेक्शन में ऐसा ही होता है। अगर लिखा है 15,000 मतलब 15,000 तक नो टीडीएस। अगर खतरा लिखा होता तो बात उल्टी हो सकती थी, जहां खतरा नहीं लिखा है बेटा लिमिट वही है। जैसे कि आपको पता है, एक चीज ध्यान से सुनना बैठ जाइए, आपको पता है 194J में आपको मैंने बताया था एपीटी और मिस्टर मास वाले में लिमिट कितनी थी, 30,000 की लिमिट थी। तो बताओ एग्जैक्टली 30,000 पे करना है या नहीं करना? नहीं करना। अच्छा मैंने आपको बेटा अभी और भी सेक्शन पढ़ा है, वो 40,000, 50,000 और 5,000 की लिमिट 194A करना है या नहीं करना? नहीं करना। समझ रहे मेरी बात बेटा? सभी सेक्शन में जो लिमिट है वहां तक नहीं करना, उस लिमिट से एक रुपए बढ़ते से ही करना है। कुछ केसेस में उल्टा हो सकता है, जहां उल्टा होगा वहां, इसीलिए आपकी समझ के लिए लिखा है कि यहाँ खतरा है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी समझ के लिए ही लिखा है बेटा कि यहाँ खतरा है, मतलब यहाँ पर लिमिट शायद कुछ अलग तरीके से गिवन है, मतलब आपको शायद 50,000 पे भी करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर खतरा लिखा है? नहीं लिखा। नहीं लिखा मतलब आपको टीडीएस 15,000 कहां से करना है स्टार्ट? 15,000 एक रुपए से। ये बात क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो काम की बात बताई जाए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो बेटा 194D नाम का मैंने आपको एक सेक्शन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेक्शन, वजह बताऊंगा क्यों। सेक्शन नंबर 194D से आप क्या याद रखोगे? दलाल। कौन सा वाला दलाल? इंश्योरेंस वाला। पेयर एनी पर्सन पेई रेसिडेंट पर्सन, टीडीएस का रेट है 5%, लिमिट है 15,000। आपको पता है आगे कमीशन के दो और सेक्शन आएंगे सेम, सिर्फ सेक्शन नंबर अलग हो जाएगा, सेक्शन का नाम अलग हो जाएगा, लेकिन लिमिट सेम रहेगी 15,000, टीडीएस का रेट सेम रहेगा 5%। और आगे जब भी कमीशन का सेक्शन आए आप खुद मुझे बताओगे टीडीएस का रेट 5% लिमिट 15,000 से, तो उतना ही आपको याद रखना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए 194D के बाद बेटा ध्यान देंगे सेक्शन नंबर 194DA। फोकस करना, थोड़ा सा अच्छा सेक्शन है आपके लिए, मतलब अच्छा सेक्शन, इजी है, सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 194DA, DA से आपको याद रखना है डेथ आफ्टर। बेटा 194DA, DA से आप क्या याद रखोगे? डेथ आफ्टर। आप मुझे बताओ डेथ आफ्टर क्या मिलता है बेटा? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी क्या मिलता है? लाइफ इंश्योरेंस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सेक्शन नंबर 194DA से आप क्या याद रखोगे बेटा? डेथ आफ्टर। मरने के बाद आपको क्या मिलेगा? LIC का क्लेम। अरे यस और नो, प्लीज फोकस करिएगा बच्चे। मैं आपको बता दूं टीडीएस आप सिर्फ ट्रिक से ही कंट्रोल रख पाओगे, टीडीएस के इतने सारे सेक्शंस हैं, और ट्रिक से क्या होगा आप उसको समराइज कर पाओगे इजीली। चलिए सेक्शन नंबर 194DA डेथ आफ्टर में आप याद रखोगे टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बेटा किसी दिन तो आपकी डेथ होगी और कभी ना कभी तो आपको क्या मिलेगा बेटा? LIC का क्लेम। आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपके किसी को मिलेगा, उसी क्लेम की बात हो रही है। तो सेक्शन नंबर 194DA बच्चे प्लीज फोकस करना यार। सेक्शन नंबर 194DA पेयर एनी पर्सन, पे में देखिए क्या लिखा है बेटा? एनी रेसिडेंट पर्सन, टीडीएस का रेट 5%। पेयर कौन है भैया? एनी पर्सन। पेई कौन है? एनी रेसिडेंट पर्सन। प्लीज पार्टिसिपेट करिए, दिक्कत आएगी वरना आपको। सेक्शन नंबर 194DA पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? एनी रेसिडेंट पर्सन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको आने वाली है, पहले दिन बताया था पेयर और पेई में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको आने वाली है पेयर और पेई में। रेट तो ज्यादातर जगह 10% ही होता है। अगर मैं आपको बता दूं टीडीएस के 35 सेक्शन है तो लगभग 25 सेक्शन में टीडीएस का रेट 10% है। समझ रहे हैं मेरी बात? रेट तो ज्यादातर में 10% ही होता है, दिक्कत आपको सिर्फ आएगी पेयर और पेई में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक्शन नंबर 194DA से आप याद कर रखोगे बेटा टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। डीए से याद रखोगे डेथ आफ्टर। डेथ आफ्टर क्या मिलता है? LIC। पेयर कौन है? एनी पर्सन।
अच्छा मुझे बताइए एनी पर्सन में ये वही पर्सन होगा ना जिससे आपने एलआईसी लेके रखी होगी। पेई कौन होगा भैया? जिसको आप पीछे छोड़ जाओगे क्लेम लेने के लिए वो आपका क्या हो जाएगा? पेई। यस और नो? टीडीएस का रेट कितना है? 5%। ध्यान से सुनिएगा, बारीक एक पॉइंट है इसमें। वो बारीक पॉइंट देखिए क्या लिखा है। अच्छा पहला पॉइंट लिखा है अमाउंट एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस की जरूरत नहीं है, क्या आपको ऑलरेडी पता है? आपको पता है, आपको पता है स्टार्टिंग के 5 पॉइंट ये इन सेक्शन को इजी करने के लिए थे। अगर टैक्सेबल है तो ही टीडीएस होता है, एग्जेम्प्ट के केस में कभी भी टीडीएस नहीं होता। और देखिए लिमिट कितनी है, और देखिए क्या लिखा है बेटा, खतरा। सर अगर एग्जैक्टली 1 लाख है ना तो भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 194DA के अंदर। यस और नो? अभी तक पता है दो जगह खतरा है, 192A एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ, 194DA एलआईसी का क्लेम। आपको पता है दोनों फंड की एक बात खास है, दोनों फंड में आपका पैसा एक्युमुलेट हो रहा था, वहां पर एक्युमुलेट हो रहा था, यहाँ भी एक्युमुलेट हो रहा है। दोनों सेक्शन सिमिलर है, लिमिट भी इसी सेम टाइप की है, बस फर्क ये है कि वहां पर 50,000 की लिमिट है और यहाँ पर 1 लाख की लिमिट है आपकी। आपको पता है बहुत सारी चीजें कॉमन है 192A और 194DA में। 192A था एक्युमुलेटेड बैलेंस इन ईपीएफ, 194DA कौन सा है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम। यस और नो? अरे हाँ या ना? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, एक काम की चीज देखिए आपके सामने जो बारीक पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है। लिखा है अगर जिंदगी भर में मान लीजिए बेटा आपको क्लेम मिला 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का क्लेम मिल गया और आपने जिंदगी भर में 30 लाख रुपए का प्रीमियम पे करा था, तो आप मुझे बताइए आपकी इनकम कितनी है? समझ रहे ना, 1 करोड़ लेने के लिए कितने तो आपको देने पड़े थे? 30 लाख। तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला है बेटा? 70 लाख। इस 70 लाख रुपीज पे टीडीएस आएगा 5% का। एंड दिस इज अमेंडमेंट, पहले ऐसा नहीं था, ये अमेंडमेंट है। पहले बेटा रेट भी 5% नहीं था, रेट था 1%, लेकिन ग्रॉस अमाउंट का 1% था। आज ग्रॉस नहीं, आज नेट अमाउंट का 5% है। समझ लीजिए बात को, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहले बेटा यहाँ पर जो टीडीएस का रेट है वो रेट हुआ करता था 1%, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बस 6-7 मतलब 8-9 महीने पुरानी बात है। यहाँ पर टीडीएस का रेट होता था 1%। और बेटा यहाँ पर जो अभी लिखा है ना नेट इनकम, इनकम पे नहीं, फिर ग्रॉस अमाउंट जितना क्लेम मिलता था ना 1 करोड़, पूरे अमाउंट पे 1% किया जाता था। अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट में क्या कर दिया उसको, रेट को बढ़ा के 5% और ग्रॉस इनकम को क्या कर दिया है, नेट इनकम। मतलब जितना भी आपको क्लेम मिलेगा उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रीमियम का अमाउंट, डिफरेंशियल अमाउंट पे आपको 5% का क्या किया जाएगा, टीडीएस। ये बात क्लियर है आपको? चलिए बेटा ध्यान से सुनना, अभी तक के सेक्शन जो सेक्शन इंपोर्टेंट होंगे मैं आपको अलग से बताता जाऊंगा, अभी तक इंपोर्टेंट सेक्शन इंपोर्टेंट कैटेगरी के ही चल रहा है बस। अभी तक ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्शन आपने पढ़े नहीं है, आपने एक इंपोर्टेंट सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन नंबर 194A, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन सिक्योरिटीज। और बेटा आपने एक और कौन सा पढ़ा है, 194C कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा सैलरी वाला एक सेक्शन इंपॉर्टेंट था, बाकी सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने नहीं जितने ये हैं। ध्यान से सुनिएगा सेक्शन नंबर 194 अभी कौन कौन से पढ़े एक बार प्लीज, जो छोटे छोटे सेक्शन पढ़े इनको क्विकली कंपाइल करवाएंगे मेरे साथ। 194D, इसे आपको क्या याद रखना है बेटा, दलाल, कौन सा वाला दलाल? सेक्शन नंबर 194D से आपको क्या याद रखना है बेटा, दलाल, कौन सा वाला दलाल? इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस वाला दलाल। पेयर एनी पर्सन पेई रेसिडेंट पर्सन, टीडीएस का रेट 5%, लिमिट 15,000। अच्छा कमीशन का जैसे ही नाम हो जाए 5%, 15,000, और याद भी इतना ही रखना है सिर्फ। ये क्लियर है आपको बात? इसके बाद मैंने आपको एक और ऐसी लेस इंपोर्टेंट सेक्शन पढ़ा है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, 194DA, डेथ आफ्टर। डेथ आफ्टर क्या मिलेगा? LIC। पेयर एनी पर्सन पेई एनी रेसिडेंट पर्सन, टीडीएस का रेट है पता है कितना, 5%। एग्जेम्प्ट इनकम के केस में या टैक्सेबल? ग्रॉस या नेट? पक्का ना? लिमिट 1 लाख? खतरा? मेरे प्यारे बच्चों अगर लिमिट के साथ खतरा लिखा है मतलब, अगर 1 लाख पे खतरा लिखा है मतलब 1 लाख रुपए पे भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर खतरा नहीं लिखा होता तो नहीं करना होता, ठीक है, फिर नहीं करना होता। आप मुझे बताइए 194C में क्या खतरा था? नहीं। लिमिट कितनी थी? 30,000 और 1 लाख। अगर एग्जैक्टली 30,000 या एग्जैक्टली 1 लाख होता तो टीडीएस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, आपको खतरा है। वो खतरा सिर्फ मैंने आपको आपकी समझ के लिए लिखा हुआ है, और समझ इसलिए बेटा जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत तकलीफ आती है अगर मैं ऐसा नहीं लिखता तो, इसलिए आपको ऊपर से ही दिख जाएगा और समझ जाना खतरा का मतलब क्या है।
चलिए इसके बाद बेटा सेक्शन नंबर 194 ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। 194 ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 194 ई से आपको याद रखना है एक्स्ट्रा अर्निंग। एक्स्ट्रा अर्निंग आईपीएल में होती है बेटा, एक्स्ट्रा अर्निंग। चलो एक काम करो, 194 ई से आपको याद रखना है एंटरटेनमेंट। क्या याद रखना है बेटा, ध्यान से सुन लेना बात को, सेक्शन वगैरह बाद में मार्क कर लेना, पहले सुन लो समझ लो। छोटा सा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सेक्शन नंबर 194 ई से आज के बाद आप याद रखोगे एंटरटेनमेंट। बेटा प्लीज एक चीज ध्यान से सुनना, मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना टीडीएस को, और मैं जो लिंकेज करा रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे सब याद करा दूंगा और बारीकी के साथ आपको याद करा दूंगा, लेकिन बेटा जो ट्रिक बता रहा हूँ ना वो आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप सेक्शन आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर आपने सेक्शन सही आइडेंटिफाई कर लिया तो अंदर की चीजें मैं आपको सब याद करवा दूंगा। तो सेक्शन नंबर 194 ई से आपको क्या याद रखना है, एंटरटेनमेंट। ठीक है, ई से आप क्या याद रखोगे बेटा, एंटरटेनमेंट। अब ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा इनिंग बोलो एंटरटेनमेंट बोलो, बात एक ही, अभी समझ जाएंगे क्यों। कोई जिसको जैसे याद रखना है समझ जाएंगे। देखिए लिखा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिंपल सेक्शन है, ज्यादा कोई डिस्कशन होगा नहीं, एक दो मिनट में खत्म हो जाएगा, इसलिए सुन लो, फिर वही चीज बार बार पूछोगे नहीं तो। लिखा है टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन। आपको पता है नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन का मतलब पता है क्या है, एबी डी विलियर्स, क्रिस गेल है ना, ब्रेट ली, यस और नो। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन मतलब बेटा कोई नॉन रेसिडेंट प्लेयर है, कोई इंडिया के बाहर का प्लेयर है, यस और नो। लिखा है नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। आप मुझे बताइए ना बेटा, तीन लोग हैं यहाँ पर, फर्स्ट इज नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, विराट कोहली की बात नहीं हो रही बेटा, बात किसकी हो रही है, फाफ डुप्लेसिस की। समझ रहे मेरी बात। सेक्शन नंबर 194 क्या लिखा है, तीन लोग। पहला क्या लिखा है आपके सामने, पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, इसका मतलब आप समझ गए कोई कोई खिलाड़ी है जो इंडिया के बाहर का है, मतलब रेसिडेंट नहीं है। सेकंड क्या लिखा है बेटा, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एक और एग्जांपल बताएंगे, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सीए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी स्पोर्ट। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन मतलब करवाने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल बीसीसीआई। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहाँ पर विराट कोहली की 194 ई की बात कर रहा हूं मैं बेटा, 194 ई में विराट कोहली की बात हो रही है, नॉन रेसिडेंट प्लेयर की बात हो रही है, नॉन रेसिडेंट। अच्छा 194 ई में बीसीसीआई की बात हो रही है या बाहर वाली बॉडीज की बात हो रही है। अच्छा एक और लिखा है बेटा, नॉन रेसिडेंट इंटरटेनर। बेटा नॉन रेसिडेंट इंटरटेनर में भी कैटरीना कैफ की बात नहीं हो रही, बात हो रही है शकीरा की। बेटा सब लोग फोकस करें, सिंपल सा सेक्शन है, इसको खत्म करना है अपन को, फिर क्लास खत्म करेंगे। चलिए सेक्शन नंबर 194 ई से आप क्या याद रखोगे, एंटरटेनमेंट। अच्छा यहाँ पर जो लिखा है सेक्शन का नाम एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर। मतलब बेटा बात हो रही है, ध्यान से सुनिए, बात हो रही है एबी डिविलियर्स की, बात हो रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, बात हो रही है टॉम क्रूज की, यहाँ पर बात विराट कोहली सलमान खान और बीसीसीआई की नहीं हो रही है। क्या ये बात आपको क्लियर है? लिखा है देखिए पेयर में क्या लिखा है, एनी पर्सन, और पेई में देखिए क्या लिखा है, आपको ऑलरेडी सेक्शन के नाम में पता है, सेक्शन के नाम में पेई कौन कौन पेई हो सकते हैं आप बताइए मुझे। सर वही तीन लोग, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, एंटरटेनर, स्पोर्ट्स एसोसिएशन। पेई में ये तीन लोग हो जाएंगे यार, ध्यान दे दो यार प्लीज यार। पेयर कौन हो जाएगा आपका, कोई भी पर्सन, और पेई में ये तीन लोग, सेक्शन के नाम में आपको पता है वो तीन लोग। अच्छा टीडीएस का रेट देखिए क्या लिखा है, 20%। एक काम करिए, 20% प्लस एचईसी लिखा है, सरचार्ज नहीं लिखा, लेकिन आपको पता है अगर सेक्शन 194 ई किसके लिए लग रहा है, सिर्फ नॉन रेसिडेंट। अरे अगर आप ध्यान दोगे ना तो 194 ई सिर्फ किसके ऊपर लग रहा है, नॉन रेसिडेंट। और मैंने आपको बताया ना बेसिक में ही कि अगर टीडीएस नॉन रेसिडेंट का करना है तो सिर्फ टीडीएस नहीं करोगे बेटा, सरचार्ज सेस एचईसी सब आपको करना पड़ेगा। यस और नो, सेक्शन कौन सा है, 194 ई एंटरटेनमेंट, क्योंकि आप लोगों ने मुझे 194 ई पढ़ा थे टाइम, ध्यान दीजिए इसको रीड करिए जल्दी से एक बार। अभी आपसे पूछता हूं मैं, अभी आपके सब में हंसी मजाक निकलवाता हूं, रुको इधर ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर लिखा है इन तीन लोगों को पेमेंट, तीन लोग आपको पता है कौन, इन तीन लोगों को पेमेंट किस किस लिए हो सकती है 194 ई के अंदर, फॉर पार्टिसिपेशन इन एनी गेम इन इंडिया। बेटा इंडिया में वो कोई गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए कोई पेमेंट की जा रही है।
या फिर लिखा है फॉर एडवर्टीजमेंट, ला 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 ले ओ। समझ रहे हैं कौन से सेक्शन में टीडीएस होगा? 194E। लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल इन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, अगेन कौन से सेक्शन? 194E। मतलब आपने कोई ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन न्यूज़पेपर में किया है, कोई आर्टिकल वगैरह आपने लिखा है, उसका आपको पेमेंट किया जा रहा है, किस सेक्शन में टीडीएस होगा बेटा? 194E। आपको एक चीज बता दूं बेटा, 194E में लिमिट तक नहीं दिख रही है आपको, शायद ये कुछ बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहा है जिनको करोड़ों रुपए पे किया जा रहा है, लिमिट छोड़ो, यस और नो? फिर देखिए क्या लिखा है, फॉर परफॉर्मेंस इन इंडिया। बेटा जस्टिन बीबर थोड़े टाइम पहले इंडिया में आया था कुछ परफॉर्मेंस देने, आया था ठीक है, अज्यूम कर लिया परफॉर्मेंस इन इंडिया। अब एक काम करिए जल्दी से, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।